मौका, हालात और टेम। भाई ये तीनों इंसान की असली औकात और जात दिखाते हैं। ऐसे ही हालात में फिलहाल मैं फंसेला हूं। अगर मैं बोलूं कि इसकी वजह मैं खुद हूं तो इसमें कुछ गलत नहीं होएगा। नॉर्थ चेन्नई का जमनाबाई इलाका अपने सफेद और काले पीले धंधों के लिए जाना जाता है, जैसे किडनैपिंग, वसूली, गर्दा, चरसा, ये ड्रग्स वग्स, सुपारी लेके किसी को टपकाना। इस इलाके में वो हर काला धंधा दिन के उजाले में खुलेआम किया जाता है। इन सब काले धंधों के अलावा एक काम और भी धड़ल्ले से चलता है इधर, गाड़ी उठाना। इस काम को शुरू किया एक बड़े फाइनेंसर देवाशीष घोष ने। इस काम में उसको इतनी जिल्लत और नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी उसको सपने में भी उम्मीद नहीं थी। भाई की ऐसी फटी के डायरेक्ट ऊपर की टिकट कटी। तभी उसके बेटे ने इस काम को संभालने की ठान लिया। बेटा बेईमानी और कमीनेपन में बाप से भी दो कदम आगे निकला। रिकवरी का काम करते करते गाड़ियों पे फाइनेंस भी करने लगा, और जो कोई किस्त देने में देरी करता था उनको बिना नोटिस दिए उनकी गाड़ी उठवा लेता था और उसकी अच्छे दाम में रोकड़ी कर डालता था। चावे द ढक्कन। इन दोनों की वजह से सेठ ने काफी नाम, दौलत और प्रॉपर्टी बना डाली। सेठ भी मामा को खुश होके अच्छी खासी नोट देता था। मगर ठीक उसी टाइम पे चंदनवाड़ी में एक बहुत बड़ी गैंग वॉर हो गई। अबे रुक जा, अपन बात कर रहा है। लल्लू समझा क्या? पिछड़ पिछड़ खोपड़ी खोल के खून पी जाऊंगा। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे बोला रुक जा। तब भारी सीन शॉट हुआ कि मामा का हाथ कट गया। मामा की जगह कौन लेगा इस बात को लेकर काफी लोचे लबाचे हुए। देख सेठ, राजन से ये सब नहीं होगा क्या? गाड़ी उठाने का पोस्ट मेरे को मांगता है। अपन अपने पोस्ट किसको देगा इसका फैसला मैं करेगा। उसका फैसला तू करेगा, सेठ क्यों नहीं? देखो सेठ, ये पोस्ट मेरे सिस्टर के बेटे को ही दो, मेरा उसको पूरा सपोर्ट है, तुम टेंशन मत लो। ए सेठ, तू आप उनको ही देना। चुप कर, इसका फैसला राजन करेगा। सेठ तू आप उनको हल्के में ले रहे ले? जब इन पंटर लोग से काम नहीं होगा ना तो तेरे को आप उनकी याद आएगी। अब ये सिर्फ नाम का किंग है, जब घोड़ा लंगड़ा हो जाए ना तो सीधा ठोक देना चाहिए। गधे को कितना भी चना खिला दो वो घोड़ा नहीं बन सकता। तेरे से ज्यादा प्रॉफिट करा के दूंगा सेठ को। सेठ जी, मेरा भांजा आपको इतना प्रॉफिट करवाएगा कि आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, आप फिक्र मत करो। उस दिन का अपुन वेट करेगा। अभी तो सुमड़ी में निकल गया मगर फिर लौट के जरूर आएगा मेरे को टपकाने के लिए, यही चिरवी का प्लान है। क्या बोलने को, तो मैं नौकरी करता हूं मगर इस गैरेज का शहजादा हूं। ये मेरे खासोल खास गोली, चूरन और बाटला, जिसको गाड़ी की खुजली होती है लेकिन किस्त भरने की औकात नहीं होती है, ऐसे लोग से गाड़ी उठा के हम लोग सेठ तक पहुंचा डालते हैं। हम जानता है हम गलत घोड़े पे पैसा नहीं लगाया, माँ कालीर कसम बोलची। स्केच घोड़ा नहीं है, स्केच की चाल चीते की है, नजरबाज की और दिलेरी शेर की है, और अपने पंजे की झलक से ही सामने वाले की हलक में आ जाती है। जाश्कर। ओए, गड्डी को सर्विसिंग के लिए दिया था, सामान गायब करने के लिए नहीं। ओए, मेरी गड्डी तूने साफ की? अपुन ने किया था। ए भाई, काय को भीड़ हो रहा है? छोकरे लोग पे हाथ नहीं छोड़ने का, जाओ तुम लोग काम करो। ठीक है। क्या सेठ, ये सुबह सुबह क्या रमच चल रही है? अरे इनका गाड़ी से छोटा सा डब्बा चोरी हो गया, इसलिए हमारे लड़कों पे शक कर रहा है। अरे छोकरे लोग ने एप्पल मोबाइल और राडो घड़ी लौटा दिए, तो डब्बे की क्या औकात? क्या था रे डब्बे में? अपना गागल साफ करने के लिए गड्डी में केमिकल रखा हुआ था। केमिकल? दिमाग का इलाज कर, एसी में एक ड्रॉप गिरा तो दम निकल जाएगा, इसीलिए छोकरे लोग ने फेंका हो। ओए हाथ दे यार, एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। ले गया, रख इसकी गाड़ी वापस। तू मेरे को जानता नहीं है। और लोग को जानने का मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। चलो सेठ चलते हैं। ओ पिंकी अंकल, आज दो कैंडल एक्स्ट्रा जलाना, डब्बा मिल जाएगा। अब निकल मैन। ओए मेरा डब्बा दे दे यार। ए पीटर, इसको टॉयलेट में से डब्बा लाके दे मैन। क्या यार, इतना ट्रैफिक क्यों है? आखिर बात क्या है? भाभी से बोर हो गया क्या? गाड़ी को यहाँ से हिलने में एक और घंटा लगेगा। पर क्यों भाई? तुम दोनों शहर में नया टपके लाए क्या? राउडी रेड्डी कुमार, बिजनेसमैन के भेष में भेड़िया है वो। अरे लीगल कामों से इसे एलर्जी है, दारू, ड्रग्स, हवाला, किलिंग, सारे गिनों ने काम करता है।
एक लोचे में कंपनी वालों ने इसके डैडी को इधर ही चुहार मार के गिरा दिया, तो उसने अपने बाप की इधर ही समाधि बना डाली। पहले इधर झाड़ी बड़ी थी, बाद में इसने सरकार से ये जगह लीज पर ले ली। अभी हर साल इधर हार डालने को आता है और हमारे धंधे की वाट लगाता है। ए, और कौन लाने गया है? भाई एमएलए ने बोला था वो आते समय लेता आएगा। अटेला है वो भी। इतना नामचीन है तो खटारा में क्यों घूम रहा है? अरे उसके पास रोल्स रॉयस है, पर ये खटारा उसकी राम प्यारी है। इसके आते ही उसकी फटीचर किस्मत ने रिवर्स लेके यू टर्न मारा और वो राउडी रेड्डी कुमार बन गया। एमएलए आ गया भाई। तुझे पॉलिटिक्स करने के लिए मैं ही मिला था क्या? मेरी पॉलिटिक्स के बल पर ही तू गुंडागर्दी करता है। अरे शिवा तो अपना ही आदमी है, वो अपना धंधा कर रहा है, बिना वजह क्यों परेशान कर रहा है उसको? उसे तेरे पास लेके आता हूँ, बातचीत करके मामला रफा दफा कर। बात ही तो करनी है ना। ठीक है लेकर आ। हे भगवान, आज एग्जाम से बस अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, आईएएस जो बनना है। अमीशा, कैसी है प्रिया? बाय माँ। गुड लक। क्या बात है, आज स्कूटी लेकर आई? पिताजी के पैर में चोट लगी है तो वो ऑफिस नहीं गए, इसलिए मैं लेकर आई। तू चलाएगी क्या? अभी नहीं, एग्जाम के बाद। हाँ बाय। तेरी स्कूटी चोरी हो गई थी ना, तूने कंप्लेंट की तो है, लेकिन इस देश में चोरी होने के बाद कुछ मिलता है क्या? एग्जाम के बाद ना हम कंचना 3 देखने चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। क्या हुआ? मैं तो हॉल टिकट स्कूटी में भूल गई। अरे अरे चल जल्दी। स्कूटी कहाँ गई? मैंने तो यहीं पार्क की थी, कहाँ चली गई? सिक्योरिटी, क्या हुआ मैडम? यहाँ पर एक स्कूटी थी, कहाँ गई? पता नहीं, मैं तो चाय पीने गया था। ड्यूटी यहाँ या चाय की दुकान पर? चाबी निकाली थी तुमने? नहीं, भूल गई थी। कितनी लापरवाह हो तुम यार। हॉल टिकट बोलो, हॉल टिकट किसका है? ले लो हॉल टिकट। वो तुम्हारी स्कूटी है ना? हाँ मेरी ही स्कूटी है। कौन हो तुम, किससे पूछ कर स्कूटी लेकर गए थे? वो थकेली है, इसके लिए इतना चिल्ला रही। पहले स्कूटी चुराई और अब बोल बच्चन दे रहे हो। ए मौशी, चोर किसको बोल रही है? चोर कभी किसी का गाड़ी लौटाता है क्या? क्या स्केच? ए गोली चुपट, इसमें तुम्हारा होल टिकट है, नहीं तो अब तक तुम्हारी स्कूटी का सौदा हो जाता। क्या मतलब, होल टिकट की वजह से स्कूटी लाए हो? शट अप, दिस इज स्नो वाइट, तुम नारायण का डॉटर है ना? सर वो मेरे डैडी का नाम है। जेंटल गर्ल, डैडी का तबीयत तो ठीक है ना? किस्त नहीं भरा, बाइक को उठाएंगे नहीं तो क्या हार पहनाएंगे? हार मैं पहनाऊं तो चलेगा? मैं ये सेटिंग कर रही है। सॉरी सॉरी सॉरी। इधर आ, डोंट वरी, कम कम। पापा को बोलना किस्त भर के गाड़ी लेके जावे। थैंक्स। मेंशन नोट। इज्जत दे रही है, स्कूटी चोर है। ए हेलो, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो अपना मुंह बंद। अपना एड्रेस दो, लॉयर के साथ आऊंगी। एड्रेस पढ़ने के लिए लॉयर को काय को बुलाने का? ये कॉलेज में कैसा अनपढ़ लोग भर के रखा है। चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ऑल द बेस्ट। चोर। एक्सक्यूज मी, डॉटर ऑफ नारायण। मुस्कुराना मत, वरना दुम हिलाता हुआ तेरे पीछे पीछे आएगा। इन लड़कों का ना, सच कह रही हूँ, कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ ज्यादा ही सोचती है। या मैन, चाय बनाया के सूप बनाया? क्या सूप के जैसा टेस्ट है? या मैन, नूडल डालेगा तो मनचाओ सूप बन जाएगा। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, अगर मैं पास हो गई ना तो मैं ट्रीट दूंगी। तू तो रहने ही दे। चाय के अंदर हल्दी धनिया कौन डालता है मैन? उधर बना चलिए सामने देख, एकदम गोंगे से। मैं कह रही हूँ ना, इन लोगों को हड्डी मत डाल, वरना पता चला कि ये तेरे पीछे पीछे तेरे घर तक भी आ जाएंगे। हॉल टिकट लौटाया है, कोई तेरी जान नहीं बचाए। चिल्लर रख ले बेटा। थैंक यू। उसने पलट कर भी नहीं देखा। तू अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे, वो एक चोर है, अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है। हे, बार बार पीछे मत देख, तेरी दीदी तेरे बारे में क्या सोचेगी? आ करो बेटा, कृष्ण जी भी यही खाते थे। देखो मेरी स्कूटी। वो देखो, मौसी एग्जाम दे के आ गई। अजय मेरी गुड़िया। दीदी को हाय बोलो। अच्छा स्कूटी कौन देकर गया? पता है, किस्त नहीं भरी थी इसीलिए स्कूटी ले गए थे, और पापा के कहने पर घर आके स्कूटी वापस करके भी गए। वो देखो चाय की दुकान पर कॉफी पी रहे हैं। अरे समझा कर मैन। देखा, तुम उनके बारे में नेगेटिव सोच रही थी। तो ये उसके बारे में पॉजिटिव सोच। अमीशा, भैया चाय नहीं लगेगा। रेडी? मत मार, हजार का सवाल है। ए चिल्लर भैया, इधर आ बे। चूक गया निशाना। ए नाम मारा क्या तूने?
वो क्या होता है भैया? दम से मिटता है गम। क्या भैया, बस क्या? अच्छा अच्छा बेटा, बोल चिरकुट मारा कि नहीं? हाँ भैया, सही पकड़े। बहुत फुतक रहा क्या? आगे से देखा तो चमड़ी निकाल लूंगा। चला पर निकल आया। गोली तेरी प्राइवेट चनिया चोली आ गई गरीबी में आटा गीला करने। My love, कैसी है? मैंने कितनी बार कहा तुमसे, एरिया काउंसलर का बेटा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? मैंने कहा उससे मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और कहा अपने बॉयफ्रेंड को बुला के ला। अगर उसमें दम है तो मुझसे मोबाइल लेकर जाए, चलो लेकर आते हैं। अरे तू 850 के मोबाइल की बात कर रही है, छोड़ना, उसका तो स्पीकर खराब हो गया था। पर डर मत, इंक्रीजमेंट होते ही EMI पे नया दिलाएगा। ये खजूर अभी 26 के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता क्या? ये बताओ वो भी मिलेगा का? भैया बॉलिंग करोगे क्या? बैटिंग करने आया हूँ। एरिया में नया है क्या? पता नहीं मेरा बाप कौन है। मम्मी! अबे खजुए, इसका बाप कौन है इसकी अम्मा कुछ पता होगा, मैं कैसे जानूंगा? गूगल नहीं हूँ मैं। सही बोल रहे हैं सर, सही। ए, क्या इसकी हाँ में हाँ मिला रहा है? तेरा जीजू है क्या? अभी बताता हूँ। जूस, नारियल, मिल्कशेक और काजू बादाम खाया पिया कर, एक फटके में राजबरी निकल गई, भाई ऐसे बैटिंग नहीं कर पाएगा। क्या है कि जब कसाई मुर्गी को पिंजरे से बाहर निकालता है तो उसका बिरयानी बनना कंफर्म है, फिर भी वो कुकड़ो कुकड़ो करती रहती है। शायद अपने दोस्तों को अलविदा बोलती होंगी, मगर देखने वाले को उस पे कितना रहम आता है ना? हाँ, सही कहा आपने। जैसे शेर की खाल में गीदड़, ये कहावत तेरे पे बिल्कुल फिट बैठती है। वो फोन किधर है? अबे फोन देना भाई को। वाह अच्छा बच्चा, अबे लेके जा रहा हूँ। नहीं भाई, ये पकड़। नमस्कार मैडम जी, शोरूम में आपका स्वागत है। ए मोटा भाई, इनका फाइनेंसर मैं हूँ। सॉरी बाबा, आपको देखा नहीं। ये लड़की के बाजू में शाहरुख खान जैसा लड़का दिखा नहीं। नहीं, 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 ये बाइक मुझे दिलाओ ना। ए भूल की ना, तेरे लिए 3 पहिया साइकिल लेंगे, 5 ही बाइक। ये कौन आपका साला है? अल्ले ले। एक बात बताऊं, मेरा एक और साला है, उसको वकील बनना था, उसको पढ़ाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, खबर छे उसने पहला केस मुझ पे छोड़ दिया। तो आप इसे साथ में लेके क्यों घूमता है? क्योंकि इसको तो जज बनने का शौक है। ये जज बनेगा तो अंदर डाल देगा। आप ही बताओ, बाइक सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा है? आपको गेड़ वाला चाहिए, बिगड़ गेड़ वाला? मोबाइल के चार्जर से चार्ज होने वाला बाइक? ऐसा बाइक नहीं है सर। तो मेरे को ऐसा गजब बाइक चाहिए जो सैंडविच सीटर बाइक हो। मेरी पड़ोसन बाइक चलाएगी, बीच में मैं और मेरे पीछे मेरी बीवी। हेलो, गाड़ी की बाने मुझे ताने मत दो, शादी करके पछता रही। अगले जन्म तुम्हें ऐसा गबरू जवान मिलेगा। वो मुझसे खुश नहीं है। खुश नहीं इसलिए आपको टॉर्चर करता है। एक बात बताऊं, बीवियां बिजली के तार की तरह होती है, सही कनेक्शन लगा तो बल्ब जला देती है, गलत कनेक्शन हुआ तो जिंदगी का LED फ्यूज कर देती है। फ्री में क्या ज्ञान। थैंक यू मोटा भाई, बाइक की टेस्ट राइड ले लूं? मेरे को भी लेना। मोटा भाई, मैं नई बाइक की टेस्ट राइड ले रहा हूँ और आप सेकंड हैंड की है। सर, आप हमारा लकी कस्टमर है, जो भी बाइक का चॉइस करेगा इंस्टेंट डिलीवरी देगा। ऐसा क्या? बताओ इसकी डिलीवरी कब होगी? बाढ़ टेस्ट राइड कराता हूँ, चलो। यह है हिमेश एंड टीम। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो भूला नहीं कहलाता, लेकिन एक बार हिमेश ने जिस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले लिया वो कभी लौट के शोरूम में नहीं पहुंचती। वो जाती है सीधे मन्नू भाई के गैरेज में, जहां उनका फर्स्ट क्लास मेकओवर करके सेकंड हैंड में बेचा जाता है। बदल डालो, बदल डालो। तीनों गाड़ियों का हुलिया कैसे बदलता हूँ, कंपनी वाला पहचान भी नहीं पाएगा। वाह बाप, कम काम ज्यादा। बाप है या पाप, जाए यहाँ से। आराम की कमाई से ही तुझे इतना बड़ा किया, 3 नंबर का पारा भेद। पैर तोड़ दिया। तुम प्रोफेशन बदलो वरना मैं आज ही बॉयफ्रेंड बदल लूंगी। ये प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन इस राजा की रानी तू ही रहेगी। मेरा मेकअप खराब मत कर, जा।
अरे तेरा तकदीर बहुत कड़क है, काउंसलर खुद आने वाला था लेकिन आपन तेरे आदमी को पहचानता है इसलिए खुद ही मांडवली करने चला है। छोटा मुंह और बड़ी बात, आपन के एरिया का मैटर आपन सेटल करेगा। काउंसलर के बेटे को काय को मारा, अब खून सवार है उस पर। ए काउंसलर का हूल मत दे, मांडवली करने से पहले पूछ लिया होता कि गलती किसकी है। अरे फूल पर ही तो मधुमक्खी बैठती है, स्केच को सॉरी बोलने को बोल, आपन छोकरों को लेकर निकल जाएगा। ए रवि, जंगल में जब शेर लड़ते तो भेड़िया आके उसकी मांडवली नहीं कराते, अबे तो भेड़िया है क्या? ए राजन, आपन तो भेड़िया नहीं है लेकिन तू जिस हाथ से खाता है उसी हाथ से धोता है, मुंह पे लगाम लगा नहीं तो खाने वाला हाथ भी निकाल दूंगा। ए मामू के बारे में एक भी गलत अल्फाज निकाला ना, जबान काट डालूंगा। दम है तो आ, आ। अबे जाने दो, निकल निकल बोला ना, निकल। ए रवि चुप कर, जा घंटे के, स्केच को गुस्सा आया तो खून खराबा हो जाबे। ओए सेठ, इसका एरिया इसलिए इतना गरज रहा है। अच्छा तेरे एरिया में आता, उखाड़ ले भांजे। ए जाने को बोला ना, चल निकल। मामू ने बोला ना जा, फुट ले फुट ले फुट ले। ए आन काय को तुम्हारे लिए, गेट की सीमा पार करने के बाद बजा, कट ले। थोड़ी देर रुकता तो ये भी उड़ जाता। और सुनाओ शेखर। सोच रहा हूँ अपनी बेटी की शादी मैं तुम्हारे छोटे बेटे के साथ करवा दूँ। ये तो खुशी की बात है। कैसी हो बहन? हाँ ठीक ही हूँ। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। चाहो तो बेटे से पूछ लो। ठीक है मुरली। हाँ पापा। हेलो। हेलो अंकल। शेखर मामा अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं, क्या तुम राजी हो? जैसा आप ठीक समझे। ठीक है बेटा जाओ। ठीक है पापा। फौरन हाँ कर दी, बेटा हो तो ऐसा। मैं तैयारियां शुरू करता हूँ। ठीक है शुरू कर दो। कैसे हो बेटा? अच्छा। क्यों जी, घर में बड़ा बेटा कुंवारा बैठा और आप छोटे की शादी करना चाहते हैं? सुना नहीं उसने क्या कहा? कि तुम्हारा छोटा बेटा और मेरी बेटी दोनों पढ़े लिखे हैं और हमारा बड़ा बेटा ये गुंडागर्दी करेगा, गाड़ियां उठाएगा, तो इसे पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी? स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो मुझसे, इसे अनपढ़ लड़की ही मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अब तू कब आया बेटा? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आइला स्केच आ गया, लगता है ड्राई डे मनाना पड़ेगा, माल कम पड़ जाएगा। हे बड़ी स्केच कम मैम, तुम तो कुछ ड्रिंक नहीं करेंगे ना? कुछ पिएगा क्या? अरे स्केच, अरे अबे क्या कर रहा है? रुक जा रुक जा, थोड़ी तो छोड़ दे, लगता है बहुत टेंशन में। व्हाट मैन, आटली बाटली खाई? मेरे को इसका हिस्सा आ रहा चाहिए। क्यों क्या हो गया? मेरा बाप बिना वजह मेरे पे भड़कता रहता है। अरे इसका पैसा मैं नहीं, तू देगा मन, तू चुप कर। शेखर मामू पता है? आई नो तेरा पापा का फ्रेंड ना? हां वही, वो अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई से करना चाहता है, ये उसकी पसंद है। माँ को टेंशन हो गया कि बड़ा घर पे बैठा और छोटे की शादी कैसे करे। तो मालूम है क्या बुड्ढा क्या बोला? इससे तो कोई जाहिल गांव और अनपढ़ ही शादी करेगी। अनपढ़ लड़की में बुराई क्या है? अनपढ़ लड़कियां भी क्यूट होती है मैन, अंकल से ये उम्मीद नहीं था। कपड़े ए मैन चकना का। ऐसी लड़की भगा के लाऊंगा कि बुड्ढा देख के बौखला जाएगा। तुम्हारा नजर में ऐसा कोई लड़की है? तेरा गिलास भी गया। कॉलेज में गाड़ी उठाते टाइम एक लड़की को देखा था। कौन? वही जो थैंक्स बोली थी? शी इज माइन। अबे वो मेरी टक्कर की नहीं है, इसने थैंक यू नहीं बोला था। तेरी वाली कॉलेज में और भी है। उसी की बात कर रहा हूँ जिसका अंदाज था थोड़ा खट्टा थोड़ा मिठा। मैं उसी से फेरे लूंगा। ए मैन, जो बहुत चपड़ चपड़ कर रहा था वो ना, उसको लगा मैंने गलत किया करके आड़ी बढ़ रही थी। किसी और के हक के लिए लड़ने की अदा बहुत कम लोग में पाई जाती है, समझा? इसी पे मैं बिक गया। मस्त है, पर तेरा कनेक्शन जुड़ने को नहीं सकता है, वो लड़की ब्राह्मण है मैं। तेरे को कैसे पता बेटा? जिस तरह गाड़ी का साउंड से तुमको गाड़ी का एज मालूम पड़ता ना मैन, वैसे अपने को लड़की के वॉक से उसका रेज्यूमे पता चल जाता है। डिग्री लिया क्या? नो मैन, ओनली पीएचडी की है। मैं जाकर उसको प्रपोजल देता हूँ, हाँ बोलेगी तो लाइफ से चलता हूँ। भाई तू एक घूंट ले ले और एक हफ्ता भी ले ले, फिर भी तुझसे नहीं हो पाएगा। एक हफ्ता काय को, दो दिन में करके बताता हूँ। गुड लक मैन। बारिश होने वाली है, घर भाई ने उसको दिल पे ले लिया है। वो देख कुमार आ गया। पकड़ से। ए, एक डबल हक्का नूडल लेके आ, बहुत भूख लगी है। क्या बात है, आज एमएलए के साथ आया है? यहाँ से जिंदा लौटने का ये एमएलए तेरा वारंटी कार्ड है। देखा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। पहले अपुन को देख के सलाम ठोकता था, आज देख कैसे सामने बैठा है। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला आज मेरे धंधे में मेरी बराबरी करेगा। ये क्या है, आते इस पर शुरू हो गया तू? और क्या, कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, जल्दी टपकेगा। एमएलए, इसको काम की बात करने के लिए बोल। शिवा तू अब कुछ नहीं बोलेगा,
कुमार तू शिवा को अपना काम करने देगा, ना तो ये तेरे रास्ते में कभी आएगा और ना तू इसके रास्ते में कभी आएगा। क्या बात है, तेरा मतलब है कि अपुन इस झंगुर से डर के रहे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कुमार। निकल ले वरना तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा दूंगा। क्या किया तुमने, कॉम्प्रोमाइज ऐसे करते हैं? मैं क्या करता है एमएलए, शुरू उसने किया खत्म मैंने कर दिया। चैन से हक्का नूडल भी नहीं खाने देते। कल रात खतरनाक गुंडे शिवा की एक हादसे में हत्या हो गई। पुलिस का कहना है कि ये किसी गैंग वॉर का काम है। पुलिस खूनी की तलाश कर रही है। बेवड़े के जैसा तेरा थोबड़ा है, उल्लू के जैसी तेरी आंखें और चला है लड़की पटाने। अगर गाड़ी उठाने का चैलेंज लिया होता तो ठीक था, मगर ये क्या बे, लड़की पटाने का चैलेंज? खुद को क्या कौला पुट्टा समझ रहा है? टेम पे शादी होती तो तीन लड़के होते। अब ठेंगा ले ले तू। आज तो एकदम अंगार लग रही है। सॉरी 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 सॉरी। चलो कम से कम आ तो गई, पर तुम्हारी वजह से ना आज फिर हम कॉलेज के लिए लेट हो गए। क्या करेंगे? इसकी भाई इसकी टांग स्केच। इधर काय को बुलाया? ए तूने बोला था ना, नहीं तूने बोला था ना कि लड़की मेरे से बात नहीं करेंगी? हाँ बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। वो लड़की बात क्या, तुझे घास भी नहीं डालेगी। जा बे, कल टेनिस कॉर्नर पे मैंने उसको प्रपोज किया सपने में, वो मेरे पे फिदा हो गई। लेकिन बगीचा थिएटर और दरिया मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं बोला अगर मैं तेरे को जचता हूँ तो कल पीली ड्रेसिंग मार गया। कौन सा कलर? येलो कलर। राइट चॉइस, सही है ना? टू मच सही। अभी बस आने वाली है। आधे घंटे से कितना बस आया गया मैं। ये बस आ गई, बस आ गई। ढक डालो मेरे को, वो मेरे को देखनी नहीं चाहिए। स्केच ब्रदर, स्केच दादा, येलो येलो लकी फेलो। मैंने तो तुझे मारा, बोल तू सब पढ़ के आई, क्या हुआ? इसकी माँ की आँख। प्रिया, ये साड़ी सलवार में कैसे बदल गई? मैंने कहा हेलो। कुछ दिनों में ये ऑफिसर हमें ज्वाइन करेंगे, नाम शक्ति। सर इसमें डिसिप्लिन का डी भी नहीं है, शेव नहीं करता, यूनिफॉर्म नहीं पहनता, किसी ऑफिसर की रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी भी पुलिस स्टेशन में 3-4 महीनों से ज्यादा टिक नहीं पाता, और इसके एनकाउंटर की लिस्ट तो बहुत लंबी है सर। अगर सच कहूं तो ये पागल है सर। क्राइम रेट कम हुआ या नहीं? शक्ति सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर, आज के बाद तुम सब इसको रिपोर्ट करोगे। इसे अपॉइंट करना है या नहीं ये पूछने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, अपना डिसीजन बताने के लिए बुलाया है। पागलों को पकड़ने के लिए हमें उनसे भी बड़ा पागल चाहिए। अरे स्कूल से उल्टा मारा क्या? एग्जाम चल रहा है। चलो चलता हूँ। संभल कर जाइए। अरे माँ मैं उसी साइड जा रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दूंगी। बोल दो मेरे पैर सलामत है। किधर है ब्रदर? नदी पे चड्डी धो रहा हूँ। मेरे पास चड्डी बाहर न्यूज है, मेरा भाभी होटल में और तेरा भाभी भी। अच्छा सुबह सुबह किसको राग बतोले तेरा बे? ट्रस्ट मी मैन, खाली इधर आना एक बार। क्या मैन ये स्केच किधर रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक? अरे वो देखा गया, एकदम सही कटिंग है ना मेरी। 26 कौन सी ड्रेसिंग में? क्रिसमस ट्री माफिक। अबे लार मत, तुम ब्लैक फ्राइडे का को बन के? अबे वो मेरी सूरज से नहीं सीरत से लव करती है। इधर ही किधर? उधर। ये तो बहुत पानी का होटल है बे, अपना बजट तो 5 स्टार का। बाट की चाय पीते ना मैन। अबे मौका दे, सही बोल रहे, चाय पीने वाली का गिले मार दे, चिंदी चाले छोड़। अंदर से फ्री की शक्कर लाना। तू एज कर। देख लंगूर आ गया तेरे बर्थडे पे मुफ्त का केक खाने। क्या मैन, इतना बड़ा होटल है पर अंदर बत्ती नहीं जला है। होटल को गॉगल पहना है रे। यू मीन आंखों की ठंडक के लिए? मेरे को लगा बिल नहीं भरा। खाओ ना। उठती रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। ए मन, स्केच के साथ नहीं जा सकता पर कस्टमर बन के तो जा सकता है ना। गॉड गुडनेस ग्रेशियस। मुझे तो लगा था अरे लंगूर तो जा रहा है, आज फ्रेंडशिप करके रहेगा। ले पकड़ इसको। ए मन केक काको, बर्थडे तो अपन भी विश करें क्या? जाके मार। अरे डेथ का बात काको करता है? तेरी भैंस की आंख तेरी। मेरे पे काय को एंग्री हो रहा है?
अबे खुद पे हो रहा हूँ। क्या हुआ? नो आइडिया। लड़कियां उन लोगों को धुरवा समझती है, उनकी हर बात पे मुंडी हिलाते रहो, धूप में जैकेट पहनाती, रात में गोगल, तभी घास डालेगी, नहीं तो ठेंगा दिखाएगी। हर बात पे जी उजूरी करो, अगर किया तो ताली, नहीं तो गाली, उनकी लाल करोगे तभी हाथ पीले करवाएगी। हुआ क्या अंदर? अगर फोन पे चुम्मी की रिक्वेस्ट की है तो बोले फेस टू फेस देती हूँ, फेस टू फेस आया है तो बोले व्हाट्सएप पे देती हूँ, या पब्लिक बहुत है। आइला इस बात के लिए इतना सेंटी? अबे सेंटी तो होगा ना इंसान अंदर, इतना बड़ा पोपट जो हो गया। और मैं अंदर हुआ क्या? सीने के अंदर गुप्ती से वार हो गए ले। ए गोली ब्रो, या मुझे सीमेंट का जान निकल गया तो अपन जैसा लांबी तो गर्ल्स के सामने टिकिस नहीं पाएगा। मैं तो बहुत बार प्लास्टर चढ़ा चुका हूँ, तू लांबी भरता रे। बढ़ रहा माचिस देना। नहीं है रे। अबे खाली है गोली, जाके माचिस की डब्बी तोला। कांडी कम थी क्या? जीत जाऊंगा मेरी डिया का। ये ए चीटिंग मत कर यार, लुंगी में पत्ता छुपाया वो निकल चल। ये अंग्रेज कितने बिंदास होते हैं यार, शर्म का तो नाम ही नहीं है। एकदम ढिंग चाल। अरे ये तो मिस सनी लग रही है। अरे तू बस एंजॉय करना यार। एकदम कड़क। गोली भैया आ गई। छुपा छुपा अंदर डाल। ए क्या चल रहा है रे? कुछ भी नहीं है यार। मैंने कुछ आवाज सुनी? टोपी पहना रहा है क्या? क्या छुपा रहा है? मोबाइल है। चल निकाल निकाल निकाल। कहां से पड़ी मारा? किसका है रे? तुम्हारे खानदान में किसी की ऐसा मोबाइल लेने की औकात है क्या? वो भी इतना महंगा, पैसा किधर से लाया? भाई हम लोग ने यहाँ का सारा भंगार बेच के खरीदा है। क्या बोला क्या बोला? किसने बेचने को बोला? काय को बेचा? क्या भंगार है क्या? अच्छा है, इसका फैसला तुम लोग करोगे? अभी बताता हूँ सेठ को तुम लोग की 420। नहीं भैया। चमारी क्या हो मामू? वो चूरन पिक्चर गया था, अभी तक लौटा ही नहीं। बिजली खड़क रही है, बारिश भी तेज है। पता है ना बारिश में फटती है उसकी। जा उसको ढूंढ के ला। जाता हूँ मामू। अरे जिंदगी में कभी भैंस देखा ही क्या? हाँ। वैसा ही लड़का इधर आया है जैसा तुम बता रहे हो, वैसा एक लड़का सीढ़ियों पे सोया हुआ है उस तरफ। हाँ। मुहिरा वर्गर डांसर थक गए लिए, उठ रहे जाने मन तेरे खरीदार आए लिए। उठ जा राज दुलारे, उठ जा। ये बारिश खेतों में होना चाहिए, सिटी में काय को होता है? अबे बारिश से डरेगा तो बवंडरों से कैसे लड़ेगा? अरे मम्मा का पापा बारिश में भीग के मर गया था। चल चूरन, हम लोग को चूरन दे रहा है? सीरियसली, तभी तो मम्मा अपने को बारिश का 4 महीने अंडरग्राउंड रखता था। बारिश से सिर्फ सर्दी होती है, कोई मरता नहीं है। तेरी मम्मा को गलत फैमिली थी। मम्मा को लेके अपन सेंटिया, बिजली और बारिश से अपना सोल कांपने लगता है। अबे चल मेरे मिट्टी के शेर, कुछ नहीं होएगा। कैच तेरे भरोसे। ये मोटा सुनामी के वो किधर था? बाथरूम में बाल्टी सिर पे डाल के छुप गया होएगा। इसे तो तेरी कैसेट नॉन स्टॉप चलती है, लेकिन पानी को देखते ही ठोस हो जाती है। चल रे गाड़ी निकल। सर सर आओ ऑफिसर। हाँ तो कुमार साहब, कहते हैं इस इलाके का बच्चा बच्चा तेरे नाम से कांपता है। आज के पहले तू क्या करता था मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन आज के बाद तू क्या करेगा इसका फैसला मैं करूंगा। बदलने के लिए नहीं कह रहा, बस बदलने की एक्टिंग कर देना, उसी में तेरी भलाई है। उम्मीद है तू समझ गया होगा। ये तुम ही भाई, इसकी चर्बी निकालनी पड़ेगी। कराऊंगा। वो कहावत सुनिए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो उस कौवे को सूट करती है। अगली बार जब तुम्हें सैलरी मिलेगी तो मुझे वो रेड वाली ड्रेस दिलाना, ठीक है? हाँ, पूरा कंप्लीट ड्रेसअप कराऊंगा तेरे को, और लाल जोड़ों में तेरे को घर पे भी तो लाने का है। कुछ कह रहे हैं? चले एक स्टॉप और। कब तक मैं बस में सफर करूंगी? मुझे एक सेकंड हैंड स्कूटी दिला दो ना। अरे पहले पगार तो बढ़ने दे, बाद में तेरे चोंचले पूरे करूंगा। चल बाय। ए चल निकलते हैं। वन मोर स्टॉप। हाँ देख। ओ स्केच की 26 है। हे वो काय का उसको देख के स्टाइल मार रहा है? वो उसको लव करता है रे। अपन भी लव करेगा रे। तुम यहाँ भी आ गए,
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कॉलेज में मेरा पीछा करते हो, घर के बाहर आकर खड़े रहते हो, बस स्टॉप में हाथ दिखाते हो, ऐसे गुंडों की तरह पीछा करके हमेशा परेशान क्यों करते रहते हो? तुम जैसे लोगों को देखकर तो मेरा खून खौलता है। बस कर, चलो यहाँ, हट सामने से, हट। मेरी फ्रेंड की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं सिस्टर, जाओ ना। ए अमीशा, तो वो तुझसे प्यार नहीं करती, झूठा। क्या भाई लोग बहुत मूड में दिख रहे हैं। मूड में हम लोग है कि तू? कल बस में बहुत मूड बनाया तूने। अपना भाई तो आने वाली जनरेशन का लव गुरु है। वो मेरी टेर ले रहे हो? अरे स्केच बैठना, बताना। अबे क्या बताऊं, बताने लायक हो तो बताओ ना, मामला फिलोप हो गया। स्टार्ट ऐसे ही होता है। वो आजकल क्या है ना, लड़कियों को मारने से ज्यादा मार खाने वाले पसंद है, हीरो से ज्यादा विलन की इज्जत होती है। अबे पिंडक में कुछ भी मत बोल, ये ओल्ड न्यूज है मैन, अब तो गर्ल्स भी फाइट करता है। सही बोला, शादीशुदा आदमी की राय ले, कल सुबह जाके भाभी को सॉरी बोल और दिल की शहजादी बना डाल। नहीं बोला तो? नहीं बोला तो तेरे दिल का अकाउंट कभी नहीं खुलेगा, बोल डाल। सॉरी बोल दे मेरे बाप। बोलूं टाकरे। ए, देख वोरा। लड़कियों के सामने बच्चों की बहुत धुलाई कर ली तूने, अब दम है तो मेरे सामने कर बे। क्या बोला बे? रुक तेरी। आजकल ना लड़कियों को मारने से ज्यादा मार खाने वाले पसंद है। मेरे को सुलाने आए तो अपना काम करो ना, इतना सोच क्यों रहे हो, अलग में आ गई क्या? ये तो खुद मार खाना चाहता है और इसे मारने के लिए तूने हमें बुलाया। ए मार तेरी। अच्छा है? तेरी। वो लोग उसे मार रहे थे और तुम चुपचाप चलिए। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई ड्रामा कर रहा है नौटंकी। मुझे इम्प्रेस करने के लिए? जानती हो उसने मुझे कल क्या कहा? क्या कहा? उसने मुझे बहन कहा। वो मुझे नहीं तुम्हें चाहता है अमीशा, और वो तुमसे मिलने आता है। कल जब गुंडों ने तुम्हें छेड़ने की कोशिश की तो उसने तुम्हें बचाया। तुम्हारी कुछ देर पहले मैं तुम जैसे चिरकुट लोग से फटके खा रहा था और अब यहाँ खुले आसमान की छाव में सुट्टा मार रहा हूँ, ये देख के तुम लोग की बहुत सुलग रही होगी ना। कल मेरे को बस में दबंग बनना पड़ा लेकिन आज बजरंगी भाईजान बन के हीरो का अवार्ड ले लिया। बहरहाल मेरा जाने का टाइम हो गया है, बहुत काम है भाई लोग, चलो तुम लोग भी गलती मार लो यहाँ से। देख क्या रहा है, खोपड़ी खोल दे इसकी। अगर एक ही फटके में नॉकआउट कर सकता है तो इशाना यार, तत्काल टिकट लेके सीधा नरक लुक में एंट्री मारना है तो आ जाओ। हे फोड़ डाल। ए खजुए, हाथ धो के आया ना। अरे यार
अब उनकी किस्मत ही बदकिस्मत है। कब से मेरी धुलाई हो रही थी तुमने देखा? नहीं देखा ना। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तुमने एंट्री मार ली। कल बस में जो हुआ उसके पीछे का बैकग्राउंड तुम नहीं जानती। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक लुक्का हूं बस। फसाद की जड़ी है मेरे पंटर लोग है। लाइन दे रही है बोल के सीने में अंगार लगा डाले। ऐसा लगता है जैसे वो सांप लौटते है ना, या कोई रामपुरी चाकू से मेरे सीने को छलनी कर रहा हूं। मगर मजा आ रहा है, जैसे सालों से पड़ी लेमरिटा को किसी ने एक ही किक पे स्टार्ट कर डाला हो। एड़े चाले कर रहा हूं ना, क्या करूं, दूसरी फेल हो ना। वैसे सॉरी है, आप सॉरी बोलने के लिए कब से खड़ा था, लेकिन ये गधे के दामाद लोग ने सब खान कर डाला, नल्ले एकदम। अभी तुम जाओ, अच्छा सा लड़का देख के शादी बनाओ, लाइफ में सेटल हो जाओ, मजे करो। नाम खराब करता है तू। पहले इतनी मार चुका है, मार रहा है तू उसे। तेरे दिमाग के अंदर भूसा भरा है क्या? भूसा भरा तो क्या करूं मैं? ज्यादा ही चलता है। ए डेविड, समझा इसको, क्या कर रहा है पता नहीं। वो तेरा छोटा भाई है। अरे छोटा है तो क्या हुआ, हर बार स्केच से मार खा गया है क्या? मैं ही छोड़ूंगा उसको, आप उनके हाथ से ही उसका दी एंड होगा। बहुत फुदक रहा है, उस स्केच की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। मेरे भाई के जख्म की कीमत उसे अपने मौत से चुकानी होगी। अब देखना स्केच पे मैं कैसे स्क्रैच मारता हूं। स्केच की चाल चीते की है, नजरबाज की है और दिलेरी शेर की है। अपने पंजे के से ही सामने वाले की चलचे लगता है बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ने वाला है। गाड़ी उठाएगा क्या? खाली होठ हिला के देखो सेठ, पलक झपकते ही जो जाएगा। चल निकल, गाड़ी उठाएगा क्या सेठ? अगर ये बच्चे गाड़ी उठाने लगे तो मेरे को राजस्थान जाके ऊंट चराने पड़ेंगे। ये उम्र स्कूल में जाने की है, कापी किताब में दिल लगाने की है। इनको कलम हाथ में लेके अपना सुनहरा भविष्य लिखने दो सेठ। कहा तुम भी जुर्म की काली स्याही से इनके हाथ रंगना चाहते हो? अरे तू ये सब छेड़े दे, लाइफ में सबसे बड़ा हाथ मारने का वक्त आ गया है। एमएलए साहब के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब आपको कैसे डील करना है आप देख लीजिए। शिवा जिंदा होता तो मेरा काम कब से हो गया होता। वो शिवा कुमार के लिए ही काम करता था। वो सब मैं नहीं जानता, पर मेरा काम वो हमेशा टाइम पे करता था। तू पैकिंग को देख के अंदर के गिफ्ट का अंदाजा मत लगा व्यापारी, ये मत भूल खूबसूरत पैकिंग में बॉम्ब भी हो सकता है। डेमो दिखाऊं क्या? एमएलए साहब को तुम पर भरोसा है, इसलिए एक बार तुम्हें मौका जरूर दूंगा। टाइम वेस्ट करने के बजाय मुद्दे की बात कर। किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन से लेकर मर्डर तक की फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर। तू बस मुझे ये बोल व्यापारी कि किसकी आत्मा को ऊपर डिलीवर करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, आत्मा नहीं ड्रग्स डिलीवर करना है, जिसके लिए मैं करोड़ों दूंगा। कब तक हो जाएगा ये बताओ। ए एमएलए, ये क्या चिंदी अमाउंट की बात कर रहा है? काम खत्म होता ही मुझे मेरा 50% कट चाहिए। कहा कट? मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। अब तो ये काम सिर्फ मैं ही करूंगा, किसी और से करवाने की सोचेगा भी तो मरेगा। कहां फंसा दिया तूने? अरे एक बार तुमने कुमार को काम दे दिया तो समझो 100% हो गया। चलता हूँ, देखता हूँ क्या करते हो। अरे इसने पहले ब्रेक मारा इसलिए अपन की गाड़ी ठुक गई ना। पुलिस से तमीज से बात कर। अरे मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? जाम हो रहा, चल गाड़ी हटा। नहीं हटाऊंगा, पैसा चाहिए अभी। अरे क्या हो रहा है भाई, दूसरे को गाय को अटका के रखे तुम लोग। ए गाड़ी मेरी ठुकी है, अपना काम कर, चल। ए पैसा निकाल। ठीक है मैं पैसे दे रहा हूँ। चल पैसे दे रहा है, चल गाड़ी निकाल, चल चल आजा। चलो ना चलो, चल साइड में खड़े होकर बात करते। अरे मां चल चल, बाइक कहाँ चली गई? अरे सेठ मैंने बोला था ना, दो दिन के अंदर पूरा पैसा क्लियर कर दूंगा। अरे बाबा कितना फोन करेगा, इसलिए तूने बाइक उठा लिया? मैं पैसा लेकर आया हूँ, कहाँ है बाइक? ए जगन पैसा निकाल, लो सेठ। ए बाटला। हाँ सेठ। स्केच के फोन कर। फोन नहीं उठा रहा है। साइलेंसर। हाँ सेठ। दो कप चाय बोल। अब भी लाता हूँ सेठ। सेठ मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, मुझे मेरी बाइक चाहिए। अरे वो देखो सेठ, स्केच ऑटो में आया। बाइक कहाँ है? सीन ऐसा है सेठ, चार रास्ते पे एक्सीडेंट की वजह से मजमा लगा हुआ था। मैटर गया ये देखने को गया, उत्ते पे कोई बाइक लेके गया।
क्या कहा तूने? मेरी बाइक चोरी हो गई? ए, मुझे लल्लू समझाया क्या तूने? ए, वॉल्यूम। मेरी बाइक उठाकर तो मुझे ही चुप रहने के लिए बोल रहा है? मेरी बात सुनो सेठ, ऐसे चोर लोगों को रखोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरी बाइक मुझे वापस दे दो। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं बाइक लेने आया हूँ। बाइक नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। ए, जल्दी रवि को फोन लगा। एक काम कर, शेखर को फोन लगा, उसको बोल जल्दी आ, दो ट्रक भरकर छोकरे लाने के लिए बोल, और बोलना सामान के साथ आए। सेठ, आज तो फैसला होकर रहेगा। मैं इधर ही बैठा हूँ, बुला जिसको बुलाना। सेठ, भाई लोग ने पटेल लोग को बुलाया है। जा तू ही। तू भी जा। बोल, मामला कैसे सुलटा है? मुझे 2,00,000 रुपए दे दो, मैं चला जाऊंगा। मोन भरेगा छे तो गाड़ी उठाने के बाद सीधा गैराज में आने का, बिना वजह इधर उधर काहे को फोकर दलाली करने का। ताना घसी मत करो सेठ। अरे ताहोले की करबो, 1 मिनट में 2,00,000 का चुना लगा। हम बैठे बैठे कीर्तन गाएगा? 1 टकर फायदा, 10 टकर नुकसान। सटक गई है क्या? हंस क्यों रहा है? बाइक चोरी होने के बाद शाणा गैरेज में आया। क्या बात कर रहा है? आज चांद निकलने से पहले बाइक और नोट दोनों आ जाएंगे। रवि, इस कैच में दम नहीं है, बाइक भी चुराई और मैंने पैसे भी वसूले। क्या दिमाग है तेरा? तूने इस कैच को जीतते हुए देखा है, हारते हुए नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मोबाइल में एक फोटो ले लेता, आपन भी देख लेता। फोटो का वो लाइव टेलीकास्ट ही देखना। यहाँ कैसे टपक पड़ा? अबे मेरे अंदर भूत की आत्मा है, जहाँ चाहे उधर पहुंच जाती है। स्केच दूसरों की फोटो बनाता है, लेकिन स्केच की फोटो बनाना इम्पॉसिबल है। खुद के प्लेट में जो खाना आता है उसको मोहब्बत से खा, दूसरे की जूठन खाने से उमे छाले पड़ जाते हैं। ये टेलीकास्ट रिपीट नहीं होता है। चलता हूं। बहुत बड़े बड़े बोल बच्चन कर रहे थे सेठ। तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए ये गुलाबी गुलाबी नोट फाटी दिए चीज। तो इतने ताने क्यों दे रहे थे? चल तेरा मूड बनाता हो गये क्या रे स्केच? माल्टा प्योर तो कुछ भी हो सेठ, तेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। कोई भी इंसान हर बार जीत नहीं सकता, दुनिया में कभी ना कभी किसी ना किसी हालत में इंसान को हारना ही पड़ता है। मेरा गेम आज तक फेल नहीं हुआ है सेठ,
तू समझा नहीं, जब पिताजी इस धंधे में थे तो रॉयल पाम कुमार ने एक गाड़ी खरीदा, जब ड्यू मांगने गया तो उसने मारा, फिर गुस्से में आकर मेरे पिताजी ने बीच रोड पर उसका कॉलर पकड़ लिया। बदले में कुमार ने मेरे पिताजी को खींच कर थप्पड़ मारा। पिताजी उस अपमान को सह नहीं पाए और उस सदमे से वो इस दुनिया से चल बसे। इसका मतलब हारना ही हुआ ना? मैं तेरे साथ होता तो ऐसा नहीं होता। तुम होते तो भी कुछ नहीं होता। मैं उसकी गाड़ी उठाऊं क्या? ये तेरे से नहीं होगा। तू खाली बोल सेठ, गाड़ी उठाऊं क्या? अरे बाबा ना। क्या मैं वो गाड़ी उठाऊं? स्केच तेरे को चढ़ गई है, जा तू बाड़ी जा। सेठ ये मत सोच मैं गिटली में हूं। बोल गाड़ी उठाऊं? बोला कि ना गाड़ी उठाऊं क्या? चल बोल। तू बहुत जिद्दी है स्केच। ठीक है, गाड़ी उठाकर तुझे ड्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी उठाकर सिर्फ एक सेल्फी लेकर भेज देना और सेठ तुझे 2 तोला सोने का हार देगा। मगर ये काम उतना आसान नहीं है। तू पीला तैयार रख सेठ, गाड़ी मैं उठा के लाता हूं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आज कुमार ड्रग्स डिलीवर करने वाला है। डिलीवरी का डेस्टिनेशन नहीं पता, ताड़ा का मच्छी मार्केट, उसका घर, फूल मार्केट, मॉल या फिर सर वो आइस फैक्ट्री। यस आइस फैक्ट्री। बीच सड़क पर हम गाड़ी नहीं उठा सकते, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी गैस पर चलती है, पंक्चर नहीं कर सकते क्योंकि ट्यूबलेस टायर है, गाड़ी की चाबी सिर्फ कुमार के पास रही। समझ गया ना? उसमें एक छोटा सा रिमोट सेंसर है, अगर गाड़ी के बाजू में भी कोई जाता है या उसे छूता भी है। देख तो गाड़ी के पास कौन है। एक बार उसकी बीवी को टच करेगा तो चलेगा, लेकिन गाड़ी को नहीं। तो ऐसे में अपन उसकी गाड़ी को उठाएंगे कैसे? ये काम हलवा नहीं है बेटा, अगर हलवा होता तो सेठ 2 तोले का भपका नहीं देता। ACP ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एक खबरी को कुक बनाकर कुमार के घर भेजता है। कुमार के पास हमारा एक खबरी रहेगा। कुमार को इस बात की भनक पहले ही लग जाती है। खबरी के द्वारा वो पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचवाता है। असल में ड्रग्स उस हॉस्पिटल में छुपाए गए होते हैं जहां MLA एडमिट होता है, और उन ड्रग्स की डिलीवरी एक वाइन शॉप पे होने वाली थी। पुलिस खबरी के बताए हुए 5 जगहों की ओर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग करती है। स्केच अपने बॉस के कहने पे कुमार की लकी कार चुराने का प्लान बनाता है, जो इत्तेफाक से उसी दिन होता है जब ड्रग्स डिलीवर होने वाली होती है। ये क्यों फोन कर रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। तो बताओ स्मगलिंग करने कौन जा रहा है? अपन। क्या बात कर रहा है? तभी तो तुझे हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। 1 हफ्ता पहले ड्रग्स इस हॉस्पिटल में आ चुका है। कुछ देर पहले हॉस्पिटल में रखा ड्रग्स मैंने अपनी कार में रख दिया। ACP ने अपने खबरियों को रखकर मेरा काम आसान कर दिया। मैंने उसको ऐसा झांसा दिया कि उसको यकीन हो गया कि उन 5 जगहों से ही ड्रग्स निकलने वाला है। हॉस्पिटल ही सही जगह है। क्या? उधर से हम कुमार की गाड़ी उठा सकते हैं। चूरन की उधर पहचान है। हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी रहेंगी तो क्या करेंगे? मैं अब ड्रग्स को पुरानी जगह पे नहीं उतारूंगा, वाइन शॉप पे उतारूंगा। उसकी नाक के नीचे से हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे। आप उन्हें सारे पत्ते बिछा दिए, बस शो बोलना बाकी है। अच्छा ये देख पिलान, अगर वो जामली मोहल्ले से आएगा तो मेन रोड लेना पड़ेगा, मगर वहां से हम लोग गाड़ी नहीं उठा सकते, इसलिए हम लोग ये पतली गली से एंट्री मारेंगे। उसकी गाड़ी को कैसा भी करके मेन रोड से पतली गली में लाना पड़ेगा, फिर अपने वो मेन रोड को ब्लॉक करना है और वहां से तुम लोग का काम स्टार्ट। किस्मत गाड़ी लेकर आ जल्दी, चल गो गो गो। पतली गली में गाड़ी को यू टर्न नहीं मार सकते, इसलिए उसको आगे जाना पड़ेगा, मगर कुमार पीछे नहीं आ सकता क्योंकि गोली और मैं उसको फॉलो कर रहे हैं इस गाड़ी से। फिर वाटला तू मुर्गी मोहल्ले से खप करके ऐसे घुस जाना और उसके रास्ते का रोड़ा बन जाना, और ऐसा लगना चाहिए कि तू एकदम लगम में बाबा।
पीछे से मैं उसको ब्लॉक कर डालू। अबे गाड़ी पीछे ले। क्या बंटा है, किसके साथ लगा हुआ है? भाई अंधा है क्या? आगे गाड़ी है। लगता दारू पी के सो गया। तेरी गाड़ी हटा। लगता है फुल लगेली में। दो मिनट ना हटा। क्या कर रहा है बे? वली में जाना, खाना खत्म हो जाए। जल्दी कर बेवड़े। मूव मैन, एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव करता, ऊपर से रास्ता रोकता है। अरे जल्दी कर। हटा ना, हटा ना। इडियट, बेवड़ा पागल। ए, रुक रहे। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ए, अपना काम कर। मैकेनिक हूँ सर, इसको अच्छे से ठीक कर दूंगा, आ जाओ बाहर। हेलो। हाँ बापू। ए मूर्ति, किसी ने हमारी गाली उठा ली। क्या बोल रहे हो बा? वो जामनी मोहल्ले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे छोड़ना मत। मैं देखता हूँ बाबा, आप टेंशन मत लो। हाँ बोलो। सर हमने सारी गाड़ियाँ चेक की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। सर एक छोटा सा डाउट है, कहीं कुमार हमें चकमा देकर ड्रग लेकर फरार तो नहीं हो गया? या ये भी हो सकता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया हो। कवि मालासांग, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? माहित नहीं सर। ड्रग्स कहाँ है मुझे पता है। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? अगर उसका एक आदमी यहाँ हो सकता है तो हमारा आदमी वहाँ नहीं हो सकता है। एसीपी को पता चल गया कि कुमार अपनी लकी गाड़ी में ड्रग्स लेके जाएगा। वो अपने खबरी की मदद से उसकी कार में चोरी से एक जीपीएस ट्रैकर लगवाता है। जीपीएस ऑन कर। ओके सर। ताकि कार की लोकेशन ट्रैक कर सके। जहाँ उसकी गाड़ी है वहीं ड्रग्स है। सर गाड़ी इस वक्त जामनी मोहल्ले में दिख रही है। कुलराज कहाँ हो तुम? TCX 9848 रेड कलर की फीएट। सर हमने उस रेड फीएट को बीच की तरफ जाते देखा। कुलराज उस गाड़ी का पीछा कर। हेलो मणि, कहाँ हो तुम? TCX 9848 रेड फीएट काजूपाड़ा की तरफ से जा रही है, आगे बैरिकेड लगा के ब्लॉक करो उसे। ये गाड़ी रुक क्यों गई है? आजेड। हाँ बोल। अपना व्हाट्सएप चेक कर। की बोलचीस? छत्ती बोलचीस। सुनो सेठ, गाड़ी चुराया इसलिए पुलिस पीछा कर रही है और दूसरी तरफ बावले कुमार के आदमी पीछा कर रहे हैं। सीजिंग लेटर लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। ठीक है, हम यहाँ से। सर गाड़ी पुलिस स्टेशन में ही आ रही है। हमारे एरिया में? सर गाड़ी पुलिस स्टेशन में आ गई सर। चल कवि। ये
ये ड्रग्स सप्लाई कर दो। आदाटा पुलिस वाले को धमकी दे। ओए स्केच, नमस्कार एसीपी सर। गिरेबान से हाथ हटा। ये सेठ की गाड़ी है और इसका इंस्टॉलमेंट नहीं भरा गया, इसीलिए उठा लिया। कवि डिक्की खोल। सर गाड़ी में ड्रग्स है। गाड़ी में माल पकड़ना तुम्हारा काम है और गाड़ी को खींच के लाना मेरा काम है। अब जल्दी से अपना काम करो साहब, मैं काफ से गलती खाता हूँ। सेठ जल्दी से कार्रवाई पूरी करो, भूख से मेरी हट रही है। ए लाले, ये सक्सेस कर डाला ना। अभी देख रहा हूँ कैसा कावरा वावरा। अंदर जाकर साइन करो। वो काला बैल बे सीधा तेरी चौकी पे आके सींग मारेगा। सॉलिड प्लान था मैं ना। आगे देखो, उसको मालूम नहीं पड़ा। समझा, ये सब इन लोगों का प्लान था। देखा देखा, फेंक देगा उसका। अरे बांट ले, बांट जाएगा बे। एसीपी साहब कैसे हैं आप? आ गया तू, अब चार फिल्मी डायलॉग मारेगा है ना? इसमें ड्रग्स कैसे आया मुझे नहीं पता। छोड़ो ना साहब, लेट हो रहा है। आगे कुछ भी बोल मत, तू क्या बोलेगा मुझे पता है। ये सब मेरे ड्राइवर ने किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, यही ना? देखा एसीपी साहब कितने समझदार है, और तू इनके बारे में गलत सोचता है। साहब ड्रग्स निकालो और गाड़ी छोड़ दो, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं हो सकता कुमार, गाड़ी में ड्रग्स होने की वजह से जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक गाड़ी नहीं मिलेगी। अरे साहब कवि सर, चल गाड़ी आटा। चार पांच सालों के लिए अपनी गाड़ी भूल जा। ए, गाड़ी संभाल के। सिर्फ इंडिकेटर टूटा है, बदल देंगे। कवि गाड़ी गोडाउन में ले टाक। ओके सर। और तू जाके ड्राइवर की कंप्लेंट लिखवा दे। ये इतना काय उड़ रहा है? सॉरी। हवा का रुख देख के स्केच बता देता है कि कहाँ तूफान आने वाला है और उस तूफान से किसका छबड़ा उड़ने वाला है। ये सब सेठ का काम है बाबा। सेठ में इतनी हिम्मत नहीं है। सेठ की नीयत ठीक नहीं लग रही है बाबा, ये निकाल। ये उन चारों का काम है। वो चुम्मिया ले रहा है। उस दिन ऐसा लगा था कि मसला सुलझ गया है, लेकिन असली मायनों में मसला वही से उलझ गया था। सर आपने ड्रग्स तो पकड़ लिया, लेकिन ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले को कब अरेस्ट करेंगे? जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। सर गाड़ी राउडी रेडी की और उसमें ड्रग्स भी मिला है, तो आप उसे कब अरेस्ट करेंगे? वही तो करने आया हूँ, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। आई विल अरेस्ट हिम। लगता है इसको कोई अवार्ड मिला है, टीवी की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। जो काम दिया था वो तो किया नहीं, यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं नवाब साहब। अगर ये काम शिवा को दिया होता तो चुटकी बजाते ही कर देता। खाली बोल बच्चन है सब। मैं तेरा बोल बच्चन सुनने यहाँ नहीं आता। दम है तो मेरा काम करके दिखाओ ना। इसको मुंह बंद करने को बोला मैंने, वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये देखो काम नहीं हो रहा तो पैसे लौटा दो। मैंने इसको यहाँ से जाने को बोल। अगर किसी नौसिखे छोकरे को ये काम देता तो भी इससे अच्छा काम करके दिखाता। दम नहीं है तेरे पट्टे में, इस खोटे सिक्के पर मैं दाव नहीं लगाऊंगा। इसे चुप करा वरना इसकी समाधि यहीं बना दूंगा। बंद कर तेरी गुंडागर्दी की दुकान और चाय की टपरी डाल दे। इन सब के पीछे वो चार लोग हैं, उनका कुछ करना ही पड़ेगा। ए, पहले से वो एसीपी इसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। तू मुंह बंद रख एमएलए, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। अरे मैंने देख लिया तुम कितने बुद्धिमान हो, जो मर्जी है वो करो। आप बोलो उनको टपका देते हैं। मैं जाल बिछाकर मारने वाला शिकारी तो नहीं, पर वो चारों मरेंगे जरूर, और किसने उन्हें मारा किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाहर से आदमियों को बुलाओ और उनके रहने का इंतजाम करो। अब मेरे कानों में सिर्फ उनके मरने की आवाज गूंजनी चाहिए। ए बजे बजे। क्या बाबू, क्या बंदा है। अरे रुको रुको सेठ, मेरे गले में मेरे को हाय को। अरे डाल ना मामू। अरे मामू मुंह झुकाओ ना। हेलो अमीशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो अमीशा। मैं इस वक्त बाहर हूँ, तुम यहाँ आ सकते हो क्या? हिदाय करता हूँ। मैं एड्रेस एसएमएस करती हूँ। जरूरत नहीं।
अरे बेटा अचानक यहाँ आपसे मिलने का दिल हुआ तो आ गई। अंदर बैठो ना। तुम मेरे पास बैठो। हाय, बात ये है आंटी, आप लोग मेरे घर आए मुझे देखने के लिए और मैं आपको पसंद भी आ गई और आपने कहा कि मैं आपके घर की बहू बनूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी आंटी। कार्तिक इज ऑल्सो गुड, स्मार्ट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, सब कुछ है। पर बचपन से वो क्या है ना कि मेरा एक सपना रहा आंटी कि मेरा पति कैसा होना चाहिए। उसकी बिल्कुल ऐसी दाढ़ी होनी चाहिए और शर्ट का बटन खुला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आंटी। और दिखने में भी ना बहुत सिंपल सा, कोई हीरो टाइप नहीं चाहिए। और बाहर की पर्सनालिटी कड़क पर अंदर से बिल्कुल नरम, वो जैसे कटहल का फल होता है ना जिसके बाहर से कांटे निकले होते हैं पर अंदर से बहुत ही नरम और मीठा होता है। आप समझ रही है ना? मैं समझ गई कि तुम्हें कोई लुक्खा चाहिए। अगर ऐसा है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? करेक्ट, तुम तो समझ गई लेकिन आंटी को शायद समझ में। समझ गई बेटा, अच्छी तरह समझ गई। यही मेरा जीवन साथी है। क्या बात कर रही है? मुझे इसी के साथ जिंदगी बितानी है। आज तो तेरे वो चौपाटी की पानी पूरी खिलाने लेके जाऊंगा। चल, क्या बोलती, चलेंगी ना मेरे साथ? इस तरह। सोचता हूँ इसको अच्छा सा तोहफा देके सरप्राइज कर डालता हूँ। देख रहा, बहुत खुश हो जाएंगी। नहीं के बदले आप, यानी कि रिटर्न गिफ्ट। कैसे हो सुंदर? तुमने कहा था कोई जरूरी बात करनी है। बड़े बेटे के साथ आए हो, छोटा बेटा कहाँ है? बात यह है कि मेरे छोटे बेटे को दुबई में नौकरी मिल गई और वो बिना बताए चला गया। क्या बकवास कर रहे हो? अब शायद भगवान को भी यही मंजूर है कि पहले बड़े बेटे की शादी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना दामाद बना लो। ये बात ये भी नहीं जानता, सोचा तुमसे पूछकर बताऊंगा। गायत्री के पापा जरा इधर आइए। क्या हुआ बेटी? देखिए पापा, आपके फ्रेंड की शक्ल देखकर मैं शादी के लिए राजी नहीं हुई थी। हम दोनों पढ़े लिखे हैं इसलिए मैंने हाँ कहा था। अगर आपको मना करने से डर लग रहा है तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं बेटी, सुंदर बात ये कि कोई बात नहीं, मेरे को गायत्री से बात करना है। हाय स्केच, तुम ठीक हो ना? हाँ ओके हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। मेरा बचपन से सपना था कि जिससे मेरी शादी हो वो कम से कम आईटी कंपनी में जॉब करता हो, हमेशा क्लीन शेव रहता हो, उसके पास अपनी कार हो और वो बच्चों को कार से ही स्कूल लेकर जाए। अपने ड्रीम्स के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हें एक खूबसूरत और अच्छी लड़की। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं तो खुद ही सोच रहा था कि तेरे को कैसे मना करूं। भगवान को टेंशन देने की जरूरत नहीं, भगवान ने ही मेरा राबता कराती है। तेरे को उसका फोटो दिखाता हूँ, तेरे से ज्यादा बम्बा टेगी नहीं। ये देख, कुछ जलने की वो आ रही है। तेरी शक्ल देख के पता चलता कि तेरे को मिर्ची लगी। हेलो। अरे बोला था बाबा 2 बजे डिलीवरी होगी। ड्राइवर अभी तक आया नहीं। ठीक है, मैं उसे भेजता हूं। चुरन! Yes, sir. What happened? बाहर एक ब्लैक फोर्ड खड़ी है 777, उसकी डिलीवरी करनी है। नो प्रॉब्लम सेठ, बाटला आ जाए फिर दोनों ड्रॉप कर देंगे। अरे उसको तड़ातड़ी चाहिए बाबा। अपन अकेले जाता है तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है। अकेले जाएगा तो तेरे को ज्यादा कमीशन मिलेगा। हंसते हुए जा। कमीशन और सब्सिडी के लिए तो इंडियन लोग जीते। ठीक है सेठ, अकेले ही जाता है। ए बगर, कम आउट मैन, रिक्शा का औकात नहीं, गाड़ी में बोर 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 करता है। कम ऑन गेट आउट। स्टीयरिंग पर थूक थूक कर गंदा कर दिया, थूकिया। गाड़ी गैरेज से निकल गई है। चार में से एक लुढ़क गया। सब चेक कर लिया ना? सर, सर, सर। कैसा लगा कवि?
उस क्रेन से कंटेनर गाड़ी के ऊपर गिर गया और उस बेचारे लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऑपरेटर कहाँ है? वो डर के मारे भाग गया सर। वो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हो? मुझे उसकी फुटेज चाहिए। अबे क्या छुपी कर रो रहा है? अरे अरे मामा आ गए। अरे प्लास्टिक देखना किधर। बिजली कड़क रही है स्केच। बिजली और बारिश से अपना सोल कांपने लगता है। तभी तो मम्मा बारिश के चार महीने अपने को घर से निकलने नहीं देता था। ए स्केच मैन तेरे भरोसे चल रहा है अपन। स्केच माय फ्रेंड, तेरे झूठे से नशा डबल हो जाता है। कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, दुखे मरे जाच्छे। हेलो। अरे कहाँ हो तुम लोग? ये सब काम कौन करेगा? चूरन के मौत का गम हमको भी है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? एक काम करो, तुम लोग आकर गैराज में मिलो। मैं स्केच से बात करता हूँ, दो तीन दिन में हम लोग आते हैं। तुमसे मिलने के लिए वैशाली बार बार गैराज आ रही है, आकर मिलो उसे। ठीक है वैशाली को मैं मिलता हूँ। जाके बनिए की दुकान से कॉफी का पैकेट लेकर आ। लड़का दिखने में एकदम अमूल पालेकर जैसा है, जाओ उसके लिए जल्दी कॉफी बना। क्या यार अमीशा, लगता है तेरी माँ को बॉलीवुड एक्टर से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। आज भी मेरी माँ मेरे पापा को कमल हसन समझ कर जिंदगी बिता रही है। और बेटी इन लोगों को पानी दो। मैं तैयार हूँ माँ। लड़के ने हाँ कर दी है, लड़की के भाग खुल गए। कोई अच्छा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। अच्छा मैं चल। कहाँ जा रही हो बहू? मेरा बॉयफ्रेंड आया है, मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ। आप लोग नाश्ता करके जाना। मैं तीन घंटे में आ जाऊंगी। चलो जी, अच्छा हुआ बच गए। अमीशा, अमीशा बेटा कहाँ जा रही हो? आप लोग रुकिए ना, वो अभी आ जाएगी। मुझे नहीं पता। मम्मा मम्मा, दीदी आ गई। कौन है ये लड़का? अमीशा इसके साथ कहाँ गई थी? पहले इसे अंदर बुलाओ। चल अब अंदर चल। सर हेलो, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। आप इसके बाप हो, इसकी शादी करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसकी शादी की तैयारी में जितने पैसे खर्च करोगे वेस्ट हो जाएंगे। बारात के आने के एन 5 मिनट पहले मैं इसे उठा के लेके जाऊंगा। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, इसलिए करके ही दिखाऊंगा। मेरी बेटी की शादी किससे होगी इसका फैसला मैं करूंगा, और हमारी बिरादरी भी अलग है। बिरादरी और समाज को आप संभालो, मैं इसको संभालता हूँ। कभी वो सीसीटीवी फुटेज मिला या नहीं? सर जिनके घर में सीसीटीवी लगा है वो छुट्टियां मनाने के लिए लखनऊ गए हैं, और उन्हें वापस आने में 10 दिन और लगेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? उस दुकान के पास गाड़ी रोको। ओके सर। ए, क्या चल रहा है? एक दोस्त की शादी। किसकी शादी है? कहाँ से आए हो? बैंगलोर से। नाम क्या है? वो कुछ बोल रहा है, तू कुछ बोल रहा है? मैं बैंगलोर से हूँ, ये बैंगलोर से साहब, और आपको पता होगा यार राम भरोसे लॉज है, उसमें रुके ले हम लोग। इधर खड़े मत रहो, निकलो यहाँ से। ओके सर। बोल मारी जमकुड़ी। अच्छा सुनो, खाने में क्या बनाऊं, दाल चावल या चावल दाल? तू बना, डिश का नामकरण मैं कर दूंगा। दाल भात ही बनाती हूँ, आ जा। गांडी रोज दाल भात बनावे। केम छो स्केच भाई, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। ए हिमेश, तेरे पास स्कूटी उटी है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास टूटी फूटी कुछ नहीं है। तेरे ससुर से मिल के आ रहा हूँ बे। तो सब उगल दिया, बुढ़े की बेटी को तलाक देना पड़ेगा। ले अमीशा, तेरी मनपसंद स्कूटी।
हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, इतनी बेस्ट के कभी अकेला नहीं छोड़ी। चोली दामन का साथ है तुम लोग का। सुना, मैं सब समझती हूँ। अरे बाय बाय, मिलते हैं। सॉरी, तुमने 10:40 बोला था, मैं 5 मिनट पहले ही पहुँच गया। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरी फेवरेट स्कूटी जो लेकर आए हो। अच्छा, वो स्कूटी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज गर्मी बहुत है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे वो स्कूटी खड़ी है ना, फुल डे तुम ही चलाना। कंजूस लीचड़। मुझे पता था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट घड़ी लाई हूँ। मोबाइल में रहती है ना, फिर घड़ी काहे को? ये घड़ी नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। जब मुझे मिस करोगे ना, तभी तुम इसे अपनी कलाई पर बांधना। बांधूंगा। और इसकी एक स्पेशलिटी भी है। क्या? इसको पहनने से अच्छा वक्त आता। तुम भी ना। कैसी लगी? क्या यार, बंद घड़ी तोहफे में देती हो। अरे चलने लगी। अरे बंद हो गई फिर से। खराब है ये घड़ी? ऑटोमेटिक है। ओह, ये इंसान की नब्ज से ही चलती है। क्या बात है, बहुत ढासू चीज है। तुम्हें पसंद आई? पसंद आई। और तू मेरे को पसंद करती है कि नहीं? अपनी जान से भी ज्यादा। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम बहुत क्यूट हो, पर थोड़े से कंजूस भी हो। मेरे जैसे बदमाश लड़के को तुम जैसी नेक लड़की मिल गई, ऐसा कैसे हो गया? रुको 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 रुको, क्या हुआ? चलो हाँ, गॉड विलेज हस, तेरा हैंडल तो पकड़ने दे। ये रहा तुम्हारा ग्लास। अरे क्या बात यार, उसको देख तो। तब भगवान से मेरे कुछ मांग रही है, सब तू ही मांग लेगी, दूसरों के लिए भी छोड़। सीख गए, सामने ठोले खड़े हैं, संभाल गए। आगे मामू लोग खड़े। लाइसेंस है ना तुम्हारे पास? मेरे पास लाइसेंस है। तुम्हारे पास गाड़ी के पेपर्स हैं? हाँ, डिक्की में रहेंगे ना। ए रुको 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 रुको, सर सर सर। ओ साहब, क्या कर रहे हो तुम? चलो उधर साहब के पास चलो। तुम रुको, मैं देखता हूँ। ऐसे कैसे चाबी निकाल रहे हो, कोई गिर गया तो? जब गिरेगा तब देख लेंगे। पेपर लेकर आ। चाबी तो दो। सोना नहीं क्या? पेपर लेकर आ। चाबी देंगे तभी डिक्की खोलूंगा ना। चाबी ले और जल्दी लेकर आ। जरा दो मिनट। हिमेश भी ना। हाँ बोल बकुड़ा। अरे हिमेश, इधर पुलिस ने बाइक को पकड़ लिया। पेपर कहाँ है बे? गाड़ी का पेपर और न्यूज़पेपर दोनों नहीं रखता। क्या बोला? एक आइडिया है, उधर से चुपचाप भाग जाओ। ये क्या बोला? ये भाई, पुलिस के सामने मेरा भांडा मत फोड़ना हो। अरे बाइक धोने के बाद तू पेपर बाइक में रखता नहीं है क्या? हाँ सर, लगा लगा चूना लगा। सर सॉरी, वो मेरे आदमी ने बाइक धोने के बाद पेपर घर में ही रख दिए। पुलिस के साथ टाइम पास कर रहा है? ये काम तो ट्रैफिक पुलिस का है, टाइम पास तो आप कर रहे हैं। गाड़ी चोरी की रिपोर्ट ट्रैफिक पुलिस में करते हो या पुलिस स्टेशन में? हम आपको गाड़ी चुराने वाले लग रहे हैं क्या? क्या कुछ भी। मैडम बाजू में पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके साहब से बात करो। वेले सर, इन दोनों को अंदर ले ले। सर सर क्या बात है? इनके पास गाड़ी के पेपर्स नहीं है, दिखाने को बोला तो ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। सर तुम जाओ, तुम लोग बैठो। अगर पुलिस नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? एक्चुअली सर, गाड़ी के पेपर्स ना घर पर ही छूट गए हैं। आप कह सकते हैं कि गाड़ी के पेपर घर पे छूट गए हैं, मगर हम भी तो कह सकते हैं कि गाड़ी में पेपर्स नहीं तो गाड़ी चोरी की है। सर क्या हम लोग चोर हैं? या आप कैसी बातें कर रहे हैं? चोर के मुंह पे थोड़े ही लिखा हुआ होता है। वेले। यस सर। इनके बाइक का चैसिस नंबर नोट कर लो। ठीक है। कल RC बुक लेकर आओगे, ऐसे इस पर लिखो और साइन कर दो। सर ठीक है, जाओ। हेलो, देखो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, एक खड़ूस पुलिस वाला यहाँ बैठा हुआ है। मैं फोन रख दो और फेस टू फेस बात करो मुझसे। गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवा कर चोर के साथ ही आ गई। जिस गाड़ी में आप घूम रही है ना, वो इसने आपसे ही चुराई है। बॉस चोरी पे सीना जोरी। सर मेरी बाइक येलो कलर की थी, TN0708। और वो ठीक है, वो ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी करके शक्ल बदल सकते हैं, तो स्कूटर का कलर नंबर प्लेट नहीं बदल सकते क्या? अरे यार हिमेश, ये चोर बाजार वाला हिमेश। वो दरअसल तुम क्या तो जो किश्त नहीं भरते उनकी गाड़ी उठाते हो ना, अब तुम चोरी भी करने लग गए हो। वो हिमेश ने, सॉरी सर मुझे चाबी दीजिए। एक मिनट, वो हिमेश ने उठाया था। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। अरे क्या मारो, रुको 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 रुको, उसे जाने दो, तुम नीचे बैठो। अगर मैं रिपोर्ट लिखूंगा तो तुम अंदर जाओगे। बोलो क्या करना है?
जेल की रोटियां तोड़ने का शौक है तो अलग बात है, वैसे 10,000 में केस यहीं क्लोज कर सकता हूँ। जानता है भाई वैशाली हमारे बारे में क्या बोलती है? बोलती है कि अपन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गुटर गुचल रिला है। अगर तूने अपने बतोले बंद नहीं किए ना तो यहीं उतार दूंगा। सच कह रहा हूँ। तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 नहीं 10 मिनट। अबे 10 मिनट में क्या उखाड़ लेगा? 10 मिनट में सब हो जाएगा भाई। 10 मिनट के मजे में 9 महीने की सजा गले में नहीं आ जावे। आ जान बोल ना। ओ हेलो, मैंने फोन नहीं किया तो तुम नहीं कर सकते क्या? हाँ? कहीं नया तो नहीं ढूंढ लिया? बोलो गोली, कहाँ हो तुम? घर पे। अरे वैशाली का मैसेज आया था कि रात को 10 बजे उसके घर के पास मिलने गए। तो मैं तो इधर ही छू। लेकिन उसका फोन का स्विच ऑफ आ रहा है। वैशाली का फोन तो चोरी हो गया है, तुम्हें नहीं पता? ऐसा क्या? मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे देती हूँ कि वो तुमसे आकर। ठीक है, मैं उसके घर के पीछे वाले ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तू जरा उसको जल्दी आने को बोला। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों डांटा? मेरे डांटने की वजह से पुलिस वाले ने पैसे नहीं लिए। बाद में बात करते हैं। ए गुस्सा हो क्या? ए बहुत बचत कर रही। सर, दुर्घटना के वक्त वहां पर 2 लोग मौजूद थे। एक तो ये लड़की जो मरने वाले की गर्लफ्रेंड है, इससे बहुत पूछताछ की लेकिन इसे कुछ नहीं पता। दूसरा वो आदमी जो मरने वाले का फ्रेंड है, उसका कहना है कि सभी लोगों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे। ड्रग सप्लाई कर दो। साहब, कालर पे हाथ नहीं डालना। अच्छा, करता हूं। उस दिन बहुत बोल बच्चन दे रहा था ना, आता का जाला तेरे को किसी पे शक है? वो कुमार की गाड़ी इसी ने उठाई थी ना, कहीं इस सब के पीछे कुमार तो नहीं है? मे बी, हो सकता है सर। मे बी मत बोल, एविडेंस कलेक्ट कर। चल रहे। तेरे को किसी पे शक है? भांजे, तेरे रहते हुए गोली कैसे मर गया? तूने किसी की भी शक्ल नहीं देखी? गोली को किसने मारा मैं जानता हूं मामू। ये तो क्या बोल रहा है? रवि ने फील्डिंग मेरे लिए लगाया था, मैं हत्ते नहीं चढ़ा तो गोली को ठोक डाला। नारायण, पोस्टमार्टम हो चुका है, शमशान में गोली के आधार कार्ड की कॉपी जमा करवा दे। ठीक है। पता होने के बावजूद भी तू चुप काहे को है? बाटले, सामान निकाल, तू भी चल साथ में, गांठ के गटर में डाल देंगे। चला गया रे। मेरे लिए सब कुछ था, मुझे छोड़ के चला गया। ए, भाई को मार के उसके मैयत पे ड्रामा करने आया? ए डेविड, ऐसा सोच समझ के बोल, अपन को भी दर्द है। रवि भैया को मार दिया ना, मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, फिर उन्हें क्यों मारा? ए, मुंह बंद कर, रवि को स्केच ने नहीं मारा। रवि ने स्केच को मारने की कोशिश की थी मगर फेल हो गया। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग सब उतर के भागे। गोली को कोई गैंग वाले मार रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। स्केच उस वक्त वहीं पर था, तो मेरे भाई को स्केच कैसे मार सकता है? गोली को मारने वालों ने भाई को मारा है। स्केच तू जा,
मामा इसे लेके जाओ। स्केच, गोली को मारने वाले का पता चले तो मुझे बताना, मेरे भाई को मारने वाले का पता लगेगा तो मैं बताऊंगा, दोनों मिलके मारेंगे उन लोगों को। कुमार, मैं कितनी बार तुमसे ये कह चुका हूँ, कुछ दिनों के लिए तुम शांत नहीं रह सकते। तुम्हें मालूम है ना, ये कोई छोटा मोटा केस या फिर पॉलिटिक्स नहीं है, मर्डर है मर्डर। अंदर हो जाएगा तू, इलेक्शन हो जाने दे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, आगे तेरी मर्जी। गेट पे ताला लगे रहा है, प्रिया से पूछते। जरा प्रिया को बुला देंगी क्या? प्रिया, कोई आया है? हाँ दीदी, आ रही हूँ। घर लोग है, अम्मू का है? वो लोग तो घूमने गए हैं। ए, झूठ क्यों बोल रही है, सच सच बताओ, चल। उसके रिश्तेदार कन्याकुमारी में रहते हैं, झूठ बोलकर उसे गांव ले गए और जबरदस्ती उसकी एंगेजमेंट करवा दी। आने वाले महीने की 18 तारीख को उसकी शादी है। तुम्हें सुनकर दुख होगा इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। अमीषा को मत बताना हाँ कि मैंने तुम्हें बताया। सच्ची मोहब्बत का जहाज हमेशा डूबता है। एक्सक्यूज मी, ऑल द बेस्ट। हेलो, सारे अच्छे काम तुम ही करोगे क्या? कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। दिन बहुत बोल बचन दे रहा था ना। स्केच, गोली को मारने वाले का पता चले तो मुझे बताना, दोनों मिलके मारेंगे उन लोगों को। चूरन की मौत एक्सीडेंट नहीं हो सकती, जिसने गोली को मारा उसी ने चूरन को मारा। कोई तो शाणा है जो इन खिलौनों में चाबी भर रहा। बांजे, क्या है तूने कुमार की गाड़ी उठाई ना, इसीलिए वो सब कर ले रहा है। नहीं मामू, देख भांजे, वो एक नंबर का एटीट्यूड वाला है, कभी अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ भी मत बोलो मामू। गोली के बाद कुमार को मेरे को या बाटला को ठोकना चाहिए था, उसने रवि को गाय को शहीद किया। ये किसी दुश्मन पार्टी का काम लगता मामू। की चल छे स्केच, की डिस्कस कर छे? अरे कुछ नहीं सेठ। ओके अभी आसी। ठीक है ठीक है। ए, उस दिन गाड़ी सर्विसिंग के बाद चूरन को डिलीवरी करने कौन बोला? सेठ ने बोला था, और कौन बोलेगा। तेरा चलान बुक में देख, एड्रेस और फोन नंबर रहेगा, लगा फोन उसको। कॉल नहीं लग रहा है। एड्रेस कहाँ का? गली नंबर 2, क्रॉस लेन विठलवाड़ी। विठलवाड़ी में हमारे छोकरे हैं। हाँ बाटला, एरिया में है क्या? हाँ मेरा भाई। एक एड्रेस भेजला है, वहां पर जाकर देख कौन रहता और मेरे को फोन कर। हाँ हो जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ ठीक है। हेलो, क्या हुआ, फोन क्यों किया? आज तो आप मुझे मायके ले जाने वाले थे ना। हाँ बोला था, दिन खत्म हो गया क्या? लेके जाऊंगा ना। आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। पैसे कमाओ या तेरे लिए टाइम निकालो। अरे पर कब तक आओगे? बड़बड़ करती रहती है। क्या हुआ, क्यों भड़क रहा है? बीवी का फोन था। क्या बोली? मायके ले जाने के लिए बोला था, भूल गया तो सुबह से चिड़चिड़ कर रही है। अबे प्यार से बात कर, भड़कता का मुझे मत। फोन देख। जबराट का फोन। ए डिस्क ब्रेक। क्या भैया? खाना खाया? अभी नहीं खाया, कार की डिलीवरी अर्जेंट है। वो बाद में कर लेना, पहले खाना खा ले। स्केच, वो एरिया में ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है। गाड़ी का नंबर क्या है? पता करता हूँ। आरटीओ में फोन कर और ओनर का एड्रेस निकाल। कौन है आप लोग? महेंद्र जी। हाँ वो मेरे पापा हैं। घर पे हैं क्या? पापा। चित्रा। हाँ जी। कॉफी लेकर आ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, पी लो। हाँ। तू कॉफी ला। लान दिया। ब्लैक कलर की फोर्ड फिएस्टा 997 गाड़ी
आप ही की है ना? हाँ मेरी है, कहाँ देखी? सर्विस के लिए दिया था आपने। सर्विस के लिए? मैं समझा नहीं। गाड़ी को चोरी हुए 15 दिन हो गए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की है, उसकी FIR की कॉपी भी है मेरे पास। मीरा FIR की कॉपी लेकर आ। नहीं रहने दो। उसी के बारे में मालूम अच्छी है, गाड़ी चोरी कहाँ से हुई थी? पल्टन रोड पुलिस स्टेशन के सामने से, मेन रोड से चोरी कर ली। सर मेरी गाड़ी। कंप्लेंट से कुछ नहीं होता, पैसे खिलाने पड़ते हैं। चलता हूँ। सबसे पहले उस शाणे कौवे ने गाड़ी को चुराया, फिर उस गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दिया, फिर गाड़ी की डिलीवरी के बहाने मारने का प्लान बनाया। गाड़ी चोरी कहाँ हुई? पल्टन रोड। इमेज को फोन मार। हाँ बोल बका। कुछ खास नहीं बे, पल्टन रोड में गाड़ी चोर कौन है? क्यों पूछ रहा है? अबे गाड़ी चोरी हो गई है, उसी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ से गाड़ी कौन उठाता है मुझे पता नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब जॉनसन दे सकता है, उसको मिल। तो फिर मीटिंग करा दे उसे बका। और हिमेश सिल्किया, ए मगज खराब नहीं कर काम करने है। भाई तुम दोनों इधर ही रुको, मैं जॉनसन को मिल के आता हूँ। ए जॉनसन भाई। क्या हिमेश, फिर से गाड़ी पे हाथ साफ किया क्या? आप अपनी दाढ़ी साफ कराओ ने। उधर दो छोकरे दिख रहे हैं मेरे लंगोटिया यार है, वहाँ उसकी एक गाड़ी है जिस पर पल्टन रोड पे किसी ने हाथ साफ कर दिया है, बता कौन है वो? तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे अपुन ने उस पे हाथ साफ किया है। ए रेने भाई, तेरे पे तो पक्का विश्वास है पर तेरे लड़कों पे नहीं है। तेरी बात में वजन तो है। रुक मैं एक काम करता हूँ, लड़कों को बुलाकर गाड़ी की कटिंग निकलवाता हूँ। जल्दी कर। चल भटक ले। सर सब ठीक है ना रे? यस सर एवरीथिंग इज ओके। जो पुना का। अरे अब क्या हो गया? आपने तो कहा था जल्दी आओगे, फिर क्यों नहीं आए? फोन करने के लिए भी मना किया था। आपको अपने बीवी और होने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं? ए ज्यादा सेंटी मत कर, फोन रख। हेलो, फोन रख, मेरी बात का जवाब दीजिए। दे मेरे को। हेलो, काय को भड़कता बे, हमेशा लगी रहती है। हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो, हाँ बोलो भाभी। देखो ना भैया, ये घर ही नहीं आ रहे हैं। टेंशन नहीं, आप एक घंटे में उसका दीदार कर लेंगे, ठीक है ना? चलो रखता हूँ। ये ऊपर है, ऊपर है। खुशखबर मोटा भाई, जॉनसन का फोन आया था, पता लग गया। उसने बोला है दुकान पे आ जाओ। हाँ तो चल चल। तू सीधा घर जा। घर पे? अबे जा ना, कल बात करते ना। हिमेश स्केच के साथ रहना। ले उतरो भाई। ले आ गया, चलते हैं। ठीक है हिमेश, तू जा, मैं देख लेगा। ए तुम लोग शटर गिराओ और जाओ, बोला ना घर जा। पर भाई। चल भाई बैठ। चलता हूँ हिमेश, तू फोन मान मेरे को। सामान जल्दी उठा ले, नहीं तो घुस जाएगा। जिसके गले में जंजीर है ना, वही चे। देख लिया, तू उठ ले अभी। स्केच का स्केच बनाएगा। हाँ।
छोड़ना मत भाई, छोड़ना मत। कंचे अलग में आ गए, फैमिली वाला हूँ भाई। फोन उठा बे, ऊपर ले ले भाई। मूर्ति खत्म कर दिया? नहीं, आखिरी सांसें गिन रहा है। कौन है तू? तेरी याददाश्त कमजोर हो गई हा? अच्छा तू है? बाप को तू बोल रहा है, तेरा भी टाइम आ गया बेटा। मुझे मारने से पहले अपने आखिरी दोस्त को तो बचा ले। क्या नाम है उसका? भास्कर उर्फ पाटला है ना? सर क्या बात है? कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बचाइए सर। राजू देखो कौन है। सर यहाँ तो कोई नहीं है। आपको देखकर भाग गए होंगे। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रहते हो? पठानवाड़ी। पठानवाड़ी? हाँ सर। वहीं जहाँ कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था? वो लोग मेरे दोस्त ही थे सर। ओ तो ये बात है, इतनी रात में अकेले नहीं घूमने का। राजू सर इसको घर छोड़ के आओ। ओके सर। ये घटना रात के 12 बजे के बाद की है। अभी तक खूनी का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इन सीरियल मर्डर्स के चलते यहाँ के लोगों का पुलिस और प्रशासन से भरोसा उठता जा रहा है। प्रियंका, न्यूज चैनल 7। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। अरे हटो। बेटा भास्कर के मरने का सभी को दुख है, एक बार आकर उसे देख लो, फिर शायद कभी नहीं देख पाओगे उसे। मेरी बात मानो, चलो। अब मैं किसके इंतजार में दिन काटूंगी? भास्कर, भास्कर भैया, तुमने तो कहा था एक घंटे में घर वापस आ जाएंगे, लेकिन इनका सिर्फ शरीर आया है। कहते थे मेरे दो दोस्त मारे गए, स्केच को कुछ नहीं होगा, स्केच को कुछ नहीं होगा, देखो अब सबको जोड़ के चले गए। कल मैं सब छोड़ के गांव जा रही हूं। एक मिनट भाभी, मां जरा अंदर आना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। भाई अपनी बहन को दे रहा है, रख लो इसे। इनका ख्याल रखो। हेलो अमीशा बोल रही हूँ। हाँ। मैं YMCA ग्राउंड पर इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ। ठीक है आता हूँ। अपनी शादी की दावत देने आई हो? हाँ मेरी शादी में आने का बहुत मन है।
प्यार किसी से, शादी किसी से, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूं। तुम्हें पता है लड़कियां ऐसा बोलती हैं कि जिससे मैंने प्यार किया वो मुझे नहीं मिला, पर ऊपर वाले ने जो दिया मैं उसमें खुश हूं, तो फिर लोग प्यार क्यों करते हैं? हाँ, मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ जिसे मैंने प्यार किया है। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। लोग क्या कहेंगे, समाज में कितनी बदनामी होगी, सब हम पर थू थू करेंगे, इन सब बातों से मेरे इरादे तो नहीं बदलने वाले हैं। तो ये गायको? हाँ, मैं शादी के लिए राजी क्यों हुई? अगर इसे मना करती तो पापा दूसरा ढूंढ के लाते, उन्हें मना करके कोई फायदा नहीं। जो मैंने पहले कहा था वो आज फिर कहती हूँ, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन ये टाइम सही नहीं है। घरवाले की मर्जी से शादी कर लो, चलता हूं। सबको अपनी पसंद की मोहब्बत नहीं मिलती, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तुम्हारे दिल में क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूं। 7:30 को मेरी शादी है, 7:29 तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चुपचाप आकर मुझे उठा ले जाना, वरना मोहब्बत से मेरा भरोसा उठ जाएगा। मैं तुमको बोला था इसमें कुमार का हाथ है, लेकिन एतबार नहीं किए तुम। अब इसको ठोक डालूंगा। कुमार को पुलिस देख लेगी, मेरे 3 आदमियों की जान जा चुकी है। तू फिलहाल अंडरग्राउंड हो जा, मैं तुझे बाद में बुला लूंगा। ओए लड़का। हाँ सेठ। चलिए बैग गाड़ी में रख। ओके सेठ। मैं भी क्यों गाड़ी उठाने को बोला, मच मच। तो इसमें कौन सा गुनाह किया? गाड़ी जुटा है ना, तो क्या हुआ? अरे वो धंधा हमारा, वैसे भी वो गाड़ी उसकी नहीं तुम्हारी थी। चलो कल गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी कर देता हूं, तो मेरे को बताओ चूरन गोली और बाटला में जान वापस आ सकती है क्या? अरे वो तो एक बेजान गाड़ी थी सेठ। कुमार को मारना इतना आसान नहीं है, तुम अकेले हो स्केच, उसके पास गुंडों की फौज है। देखो मैंने सर पे कफन। सेठ कौन बोला हुआ अकेला है? मैं इसके साथ है। एक जमाने में हाथों में हथियार था, मेरे एक इशारे पर पूरा जुलूस आ जाएगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि उसने किससे पंगा लिया। अरे ऐसी बात नहीं है सेठ, अगर वो हमारे घर का दिया बुझाएगा तो हम उसकी चिता जला देंगे। गलत छेद में हाथ डाल दिया है, काट डालूंगा। ए तू प्लान मेरा मांझे, अबे जुलूस खड़ा करता हूं। ए मार्टिन। कौन बोल रहा है? राजन बोल रहा है। क्या बात है, कैसे याद किया? काम था तेरे से। ए रामा हुकुम करो भाई, अपने सारे आदमियों को लेकर फौरन मेरे पास आ। बस बस एक मिनट एच और जूम कर। कवि। सर। इसको किधर तो देखा है, वो चाय की दुकान पे रात को, ये जिस लॉज में रुका था वहां पे फोन कर, पता करिए कितने लोग थे, इनके डिटेल्स निकाल लो कर। ओके सर। आ गया मेरे शेर। कैसे हो भाई? कैसा है? अच्छा हूँ भाई, घर में सब? अरे भाई कैसे हो, सब ठीक है ना? सलाम भाई। सलाम सलाम, मजे में ना भाई? आपकी दुआ है। इन्हें पिलान समझा दे भांजे। आप सबको एक इंफॉर्मेशन निकालनी। अच्छे से समझा दिया ना? एकदम कड़क। हो जाएगा, चिंता मत कर, काम हो जाएगा ना। ऐसा सेटिंग लगाने का कि कुमार बचे नहीं, दो लोग की टीम बनाना, उसको फिनिश करने का। देखो अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो गेम पलट जाएगा, उसके घर के इर्द गिर्द फील्डिंग लगाना।
स्केच अपने आदमियों से कुमार की एक एक डिटेल इकट्ठा करने को कहता है। ये युद्ध शुरू होने से पहले की तैयारी थी। स्केच तुम बराबर बोला, उसके घर के पास एक लैंप पोस्ट है। भाई जब मैंने ठेले से नजर रखी तो देखा कि वो अक्सर बालकनी से फोन पे बात करते रहता है। तो बालकनी में जो उसका गेम बजा डालते हैं, है ना? सुबह का टाइम उसे मारने के लिए बिल्कुल सही है। हथियार उसके एरिया में लेके जाना आसान नहीं है भाई। पर ऐसा कायकू, उसे दुश्मनों से खतरा है कि कहीं उसे कोई मार। अगर एम्बुलेंस तो अंदर जा सकती है ना। उसकी मौत का पैगाम एम्बुलेंस में आएगा, जिसको मैं लेके आऊंगा। एम्बुलेंस में तो आओगे पर उसे मारोगे कैसे? मैं बता दूंगा। पर एरिया में हथियार कैसे पहुंचेगा? वो तुम मेरे पे छोड़ दो। हाँ बोलो। हरीश हो सर, उन गुंडों के ठिकाने का पता चल गया। कहाँ पे? कैपिटल पैलेस। पांजे सारी तैयारी हो गई है, कल से काम पे लग जाते हैं। अच्छा मामू, हाँ तुम लोग समझ गए ना? हथियार में धार लगा लिया ना? रेस्ट ले जा, मैं भी चलता हूँ भांजे। अरे मामू एक मिनट। ए हिमेश, सिर्फ मेरे से ही शादी करेगी ऐसा बोल के कारट देके गई है। बोली मेरी राह देखेगी, वो चाहती है मंडप में जाके मैं उसको उठा लूँ, लेकिन कुमार का मुहूर्त भी कल का ही निकल रहा है। तो मामू अब इसके साथ जाओ। मान लो अगर उसकी शादी उस छोकरे के साथ होती है तो 500 का लिफाफा लिखा देना, नहीं तो उसको उठा के लेके आना। कुमार का गेम बजा के ढोली बजा बजा लेंगे और घोड़ी पे चढ़ जाऊंगा, उसको पीले ग्राउंड पे लेके आना। काम बजा के वहीं मिलता हूँ। देख भांजे मैं तेरे साथ आता हूँ। हिमेश मामू को लेके जा। भांजे मत जाओ ना मामा। चलो मामू मेरे साथ आओ। मगर मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं। ये घड़ी नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। तू मेरे को लव करती है क्या? अपनी जान से भी ज्यादा, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। चला जा, अंदर चलते। मामू वो किधर जा रही है? लाल जोड़ा पहनने जा रही है। मतलब ये शादी फिक्स है? बताएगा कुमार गैलरी में खड़ा है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज इनकी तो कल हमारी बारी है, लेकिन हमारी बारी बाद में, आज तो कुमार की बारी है। अमीशा दरवाजा खोल।
आप सबसे माफी चाहती हूँ, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं स्केच से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। चल इसको लेके स्केच के पास चलते हैं। भाई बाइक पे निकलो। हाँ मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग भी संभाल गया। ये टॉर्चर उसके लिए नहीं है, तुम लोग के लिए। जब मैं उसके मुंह पे पानी डालूंगा, उसकी सांसें फूलने लगेंगी, वो तुम्हारी आंखों के सामने मरेगा, तब तुम मुंह खोलोगे। और अगर नहीं खोला तो तुम में से किसी का नंबर आएगा। कवि सर पानी डाल। सर सर मैं बताता हूँ सर। कवि थाम। सब कुछ रेडी है ना? कपड़े तैयार है? तैयार है। रिक्शे में पेट्रोल डाला कि नहीं? अच्छा वो गाड़ी की डिलीवरी नहीं रहने दे, मैं मामू को फोन करके बोलता हूँ। बोलो भांजे। चल निकल सेठ, अगर ये चूजे गाड़ी उठाने लगे तो मुझे राजस्थान जाके ऊंट चराना पड़ेगा। अब राजस्थान क्या, सीधा कब्रिस्तान जाएगा, और किधर जाने के लायक भी नहीं बचा तू। लाल छुरा डाल। शुरू से ही अपन को स्केच बनना था, मगर तेरे रहते अपन कुछ नहीं उखाड़ पाया। कितने दिन अपन तेरे नीचे काम करता। जब सेठ ने तेरे गले में 2 तोले का सोने का चेन डाला ना, तब अपना खोपड़ी चमका। अरे इन सब के रहते अपन कभी अमीर आदमी नहीं बन पाएंगे। अपन जो करता था उसमें तुम लोग को खुजली होने की, सर पर टपली मार के फिरकी लेते थे ना, तभी अपन की खोपड़ी की झोपड़ी में आइडिया आया। इन चारों का गेम बजाना ही पड़ेगा, और अपन लोगों ने तुम लोगों को मारने का मास्टर प्लान बनाया जो फेल नहीं हुआ। कुमार ने उन चारों का गेम बजाने हमें यहाँ बुलाया। गेम बजाने के लिए हमने एक गाड़ी ली और उसे सेठ के गैरेज में सर्विस के लिए दिया। उन चारों में से जो भी डिलीवरी देने आएगा उसे रास्ते में मारने का प्लान था। गाड़ी गैराज से निकली पर हमारे प्लान की जगह पर नहीं रुकी। जब गाड़ी से कोई नहीं निकला तो मैंने क्रेन ऑपरेटर को इशारा किया, उससे कहा कंटेनर ना गिराए, लेकिन उसने गिरा दिया। जब चूरन गाड़ी की डिलीवरी देने जा रहा था तब अपन ने उसकी गाड़ी की एसी में केमिकल डाल दिया। रास्ते में दम घुटने की वजह से वो टपक गया, मगर जब मालूम पड़ा कि उसकी गाड़ी पर कंटेनर गिर गया तब अपन को भी यकीन नहीं हुआ। वैशाली का मोबाइल चुरा के गोली को उसके एरिया में बुलाया, मगर अपने को मालूम नहीं था कि तू भी उसके साथ आएगा। लेकिन अपने को घंटा फर्क पड़ा, बजा डाला उसका गेम। उसके गले में पहले ही किसी ने चाकू मार दिया था साहब। वो पहले से ही मरा हुआ था साहब। तो रवि को किसने मारा? अब ये रवि कौन है साहब? क्या क्या हुआ? गोली को टपकाते हुए रवि ने अपन को देख लिया। इसकी तो अभी अपन के पास रवि को टपकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाटलो और पुलिस वाले को किसने मारा? हम लोग बाटले का पीछा जरूर कर रहे थे सर, पर नाकाबंदी देखकर हमने अपनी गाड़ी पीछे ले ली। गाड़ी पीछे ले, पीछे ले। बाटले को मारते वक्त बेचारा पुलिस वाला फोकट में शहीद हो गया। दूसरे दिन पेपर में छपा कि भास्कर और पुलिस को किसी ने टपका दिया, हमारा उसमें कोई लिंक नहीं है साहब। आपको क्या लगता है सर वो स्केच किधर है? जब मालूम पड़ा कि तू भाभी के साथ गांव जा रहा है तो सोचा तुझे बकस देंगे, पर तेरे अंदर जासूसी का बहुत बड़ा कीड़ा है ना, इसलिए तू भी लिस्ट में ऐड हो गया। सटक गए।
तुम लोगों की तो ये पुलिस आ रही है। भाग ले, अरे यहाँ से निकल लो, यहाँ से भाग। चल चल चल, निकल यहाँ से। अरे सेठ, छोकरे लोग की पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है, तुम कहाँ उनसे काम करवा रहे हो। तुमको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे इनके सामने सिगरेट मत पियो सेठ, छोकरे लोग खराब हो जाएंगे। किताब उठाने की उम्र में अगर चाकू उठा लिए तो यही प्रॉब्लम होगी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने दोस्तों के साथ लड़ते हैं, मगर छोटी उम्र में काम करने वाले बच्चे अपने साथ काम करने वालों के साथ में लड़ते हैं। इसकी वजह हम ही लोग हैं। अगर आपने कहीं छोटे बच्चे लोग को काम करते हुए देखा तो उसके मालिक को सवाल करो, और हो सके तो उनको स्कूल में डालो। बाल मजदूरी को खत्म करो और उनको फुकट में पढ़ाओ बिना पैसे के।